हेलो फ्रेंड्स, विल स्टार्ट टुडेज वेबिनार। माय नेम इज हेमंत अग्रवाल। आई एम द होस्ट एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ वेबिनार कंडक्टेड बाय chshelpforum.com। दिस वेबसाइट इज स्पेसिफिकली रिलेटिंग टू वेरियस इश्यूज दैट कैन बी एक्सपीरियंस इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज एंड विल बेनिफिट बोथ द मैनेजिंग कमिटी एंड द हाउसिंग सोसाइटी मेंबर्स। The website has very simple language articles, various drafts of applications, webinar videos, and many more shall be added as and when time permits. We have created a WhatsApp group only for housing society related matters, wherein discussions are done on legalities, difficulties, and problems faced in CHS. Our today's speaker is Advocate Fatima Fauzdar. Advocate Fatima Fauzdar practices in Mumbai and Pune and deals in all types of criminal, civil, and cooperative matters. She also does writ petition in High Court, obtaining probate, letter of administration of will, and other various agreements and contracts and documents. She will share her knowledge on various possibilities and legal remedies on today's topic, which is terrace, leakages, ownership, laws, usages, rights, etc. Before I invite her, I would like to give a small 1 minute preface to terrace kya kya cheez hoti hai, like what all are considered as terrace. Aapne word suna hoga pocket terrace. Pocket terrace ka matlab hai aapke flat ke bahar mein जो छोटा सा बालकनी है, मे बी 3 बाई 11 का या 10 बाई 12 का वगैरह, उसको पॉकेट टेरेस बोलते हैं या बालकनी बोल लीजिए। कई कई फ्लैट्स के साथ में प्राइवेट टेरेस भी होता है। प्राइवेट टेरेस बड़ा होता है, लाइक मे बी हॉल के साथ में बड़ा सा टेरेस है, 200 300 500 स्क्वायर फीट का टेरेस है, जहाँ लोग छोटे मोटे गार्डनिंग वगैरह भी करते हैं, एंड दैट इज परमिसेबल ऑल्सो। फिर कॉमन टेरेस। कॉमन टेरेस का मतलब वो है जहाँ पे हर कोई आना जाना कर सकता है। प्राइवेट टेरेस सिर्फ वो फ्लैट वाला यूज कर सकता है, और कॉमन टेरेस जो है, जो बिल्डिंग के सबसे ऊपर होता है, उसको कॉमन टेरेस बोलते हैं। सो टेरेस पोर्शंस कैन नॉट बी सोल्ड और परचेस्ड, मोर सो स्पेसिफिकली सिंस इट इज फ्री ऑफ फ्लोर स्पेस इंडेक्स, FSI। जो टेरेस होता है वो FSI फ्री रहता है, तो इसके लिए उसका बाइंग और सेलिंग अलाउड अलाउड नहीं है। पर कई बार बिल्डर ये बोलते हैं कि आपका 500 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, आपको एक पॉकेट टेरेस देते हैं, पर दैट पॉकेट टेरेस डज नॉट कंज्यूम एनी FSI, हेंस यू कैन नॉट इनक्लोज इट, यू कैन नॉट एनक्रोच इट, नथिंग कैन बी डन। अगर बिल्डिंग के प्लान्स में टेरेस FSI कैलकुलेशंस में डिफाइन कर दिया गया है, तो वो कॉमन ओपन स्पेसेस नहीं रहता है। कॉमन ओपन टेरेसेस जो है, इट इज ऑलवेज रेफर्ड एज ओपन टू स्काई स्पेसेस, सो इट कैन नॉट बी कवर्ड, विच इंक्लूड्स वेदर शेड्स, जैसे टिन के पतरे वगैरह लगा देते हैं कई लोग वगैरह, वो भी परमिटेड नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि इसी साल BMC ने छत के ऊपर टिन शेड लगाना अलाउ कर दिया हुआ है, और सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ एन आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट कि आपकी बिल्डिंग उतना लोड सहन कर सकती है, जो भी टिन शेड या फाइबर शीट्स का वजन वगैरह होगा, एंड उसका कोई पर्टिकुलर फीस वगैरह भी चार्ज होता है। नाउ टू अंडरस्टैंड फर्दर एंड गेट टू नो मोर डिटेल ऑन दिस टेरेस इश्यू, आई एम इनवाइटिंग एडवोकेट फातिमा मैम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स। वी वेलकम हर एंड रिक्वेस्ट हर टू शेयर हर नॉलेज विथ ऑल ऑफ अस। ओवर टू यू फातिमा मैम। थैंक यू, प्लीज प्रोसीड। Good evening, Hemant sir, and a very good evening to everybody who's present. And thank you, Hemant sir, for the introduction and the brief introduction to the topic as well. Thank you. Friends, आज का टॉपिक हेमंत सर ने ऑलरेडी शॉर्ट में तो बता दिया है. नाउ हम लोग विल गो थ्रू इट इन अ लिटिल बिट मोर डिटेल. सो आवर टूडेज टॉपिक इज ऑन टेरेस. टेरेस में जो लीकेज होता है उसकी जिम्मेदारी किसकी है, और उसके अंदर हमको क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए ताकि ये सब चीजें अवॉइड हो और उस पर हमको सोल्यूशन मिले. सो व्हाट एवर हेमंत सर हैज सेड वो हम थोड़ा भी डिटेल में जानें.
So I begin my today's session, and I hope everybody is happy with it, and I am able to do justice to the faith that Hemant sir has had in me. Okay? Okay, what is a terrace? अभी टेरेस को जो डिफाइन किया है उसमें लिखा है कि वो फ्री एंड नॉन सेलेबल एरिया. फ्री एंड नॉन सेलेबल एरिया मतलब ओपन टू द स्काई, ओपन टू द स्काई, और ये कॉमन स्पेस है. इसको डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो. जो भी बिल्डिंग में रेसिडेंस है ये सारे लोग इस टेरेस को एक्सेस कर सकते हैं. इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और ये कॉमन यूसेज के लिए. अब ये टेरेस का पूरा जो जिम्मेदारी होता है उसको हैंडल करने का, संभालने का, वो रेस्ट विद द मैनेजिंग कमेटी. ये प्रॉपर्टी होती है मैनेजिंग कमेटी. बिल्डिंग आपका है, फ्लैट आपका है, आपकी इंडिविजुअल बालकनी जैसा पॉकेट टेरेस जो सर ने अभी थोड़ी देर पहले बताया, दैट इज योर्स. बट द ओपन स्पेस ऑन द टॉप ऑफ योर बिल्डिंग बिलोंग्स टू द मैनेजिंग कमेटी. द अंडर द डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स फायर एक्ट, तो इसमें काफी सारे एक्ट्स और रूल्स आ जाते हैं. एक है डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स, फिर फायर एक्ट आता है, बीएमसी भी आ जाता है. तो टेरेस के लिए हम लोग दरवाजा वगैरह सिक्योरिटी के लिए नहीं लगा सकते हैं, और अगर लगाया है तो भी उसको हम लोग लॉक नहीं कर सकते. यू कैन नॉट लॉक द टेरेस एंड कीप द कीज विद द सिक्योरिटी और मेक अ पर्सन फील कि फॉर एवरी लिटिल थिंग टू गो ऑन द टेरेस उसको सिक्योरिटी का परमिशन लेना चाहिए या चेयरमैन को लेटर निकलना चाहिए. ये बिल्कुल गलत है. टेरेस को लॉक नहीं करना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ प्रोसिक्यूटेबल ऑफेंस. अभी सेक्शन 3F ऑफ महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 1970 इस चीज को डिफाइन करता है अंडर द कॉमन एरियाज एंड फैसिलिटीज. अब ये जैसा शॉर्ट में देखेंगे तो हु इज द ओनर ऑफ द कॉमन टेरेस अंडर सेक्शन 211 ऑफ द फायर एक्ट. Society is and the elected managing committee is the custodian, trustee, caretaker of the terrace open space for all legal purposes and is liable for all events. जो भी हादसा होता है उसमें कुछ और होता है उसकी जो भी liability है उस सब चीज के लिए जिम्मेदार जो existing managing committee उस वक्त है वो managing committee उसकी responsibility होगी इस चीज की देखरेख की और उसको maintain करने की, उसको events के लिए देने की, वो सब कुछ चीजें. द एब्सोल्यूट ओनरशिप राइट्स ऑन द बिल्डिंग टेरेस इज ऑलवेज विद द सोसाइटी. महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट एंड फ्लैट अपार्टमेंट्स, द बिल्डर डेवलपर हैज नो राइट टू सेल द टेरेस और हैव एनी ओनरशिप राइट्स ऑन द बिल्डिंग टेरेस. मतलब बिल्डर वो ओपन टेरेस किसी भी, समझो जो टॉप फ्लोर का है, बिल्डर कभी कभी बोल देते हैं सेल करते वक्त, आपका टॉप फ्लोर है, टेरेस भी आपका ही है, आप फुल यूज कर सकते हो, तो इट इज नॉट पॉसिबल. वो सारा राइट्स एक ही फ्लैट ओनर को बिल्डर सेल करते वक्त नहीं दे सकता है. अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4 एंड 10 ऑफ मोफा, बिल्डर डेवलपर हैज नो राइट टू सेल टेरेस और हैव एनी ओनरशिप राइट ऑन द बिल्डिंग टेरेस. नाउ ऑल फ्लैट ओनर्स इन द बिल्डिंग हैव इक्वल अनडिवाइडेड एंड इररिफ्यूटेबल राइट टू एक्सेस एंड यूज द टेरेस फॉर एनी लेजिटिमेट पर्पसेस. मतलब अभी वो बिल्डिंग के जितने भी रहवासी है, जितने भी फ्लैट ओनर्स है इंक्लूडिंग द टेनेंट्स, उन सबको इक्वली अनडिवाइडेड राइट्स होते हैं. ऐसा नहीं क्या एक का 2 BHK है तो उसके राइट्स ज्यादा हो गए और 1 BHK है तो उसके राइट्स कम है. नो, एवरीबडी विल हैव इक्वल राइट ऑन द यूज ऑफ द टेरेस एरिया फॉर लेजिटिमेट पर्पसेस. लेजिटिमेट पर्पसेस मतलब कोई फ्लैट ओनर ऊपर टेरेस पे शराब विराब नहीं बना सकता है, इलीगल काम नहीं कर सकता है. तो लीगल जो भी है, लीगलिटी, बर्थडे पार्टी है, किसी का एंगेजमेंट है, किसी के घर की कुछ पूजा है, किसी के घर में और कुछ फंक्शन है, तो फॉर लेजिटिमेट पर्पसेस ही वो टेरेस यूज कर सकते हैं. अदरवाइज दे विल बी लायबल फॉर क्रिमिनल ऑफेंस एंड द सोसाइटी कैन टेक एक्शन अगेंस्ट. अब टेरेस हम लोग देखेंगे किस किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं. अभी बेसिक कॉमन यूसेजेस मीन्स ड्राइंग ऑफ, लाइक जब जब लेडीज होते हैं समर में सबके घर में पापड़ बनते हैं, कुछ कुछ बनाते हैं जो हम लोग स्नैक्स के तौर पे खाते हैं, तो वो सुखाना होता है, तो सबसे तेज धूप कहाँ होती है, टेरेस पर ही होती है. तो अक्सर सब लेडीज की बिल्डिंग एक साथ मिलके बनाते हैं और फिर ऊपर वो चटाई वगैरह बिछा कर उसको सुखाते हैं. सो फॉर सम ड्राइंग सम एडिबल थिंग्स लाइक पापड़ है, कुछ पूरीज है, उस चीज के लिए
सीजनिंग ऑफ पिकल्स, जैसे पिकल बना के बॉटल रख दिया ताकि वो गर्मी से उसको जो भी उसका सीजनिंग होता है वो हो जाए. फिर ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, डिश टीवी एंटीनास, देन पार्टिंग, बर्थडेज एंड एनिवर्सरी एंड रेसिडेंट एक्टिविटीज, कुछ डांसिंग की क्लासेस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. मतलब कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो रेसिडेंट्स के इंटरेस्ट में हो और जिसके लिए स्पेस, ओपन स्पेस की जरूरत है, वो सारी आप टेरेस पे कर सकते हैं. ना एज पर द मुंबई हाई कोर्ट ऑर्डर, रेंटिंग हायरिंग इज इलीगल एंड अनऑथराइज, हेंस बाय वर्च्यू ऑफ दिस सोसाइटी कैन नॉट लेवी चार्ज और एनी चार्ज एनी अमाउंट फॉर यूसेज ऑफ टेरेस स्पेस बाय इट्स ओन मेंबर्स. मतलब अगर अपने खुद का मेंबर है, खुद के फ्लैट ओनर है, तो सोसाइटी उनको ये सब फंक्शन करने के लिए चार्ज नहीं कर सकती. हाँ, एक इंटीमेशन दे सकता है फ्लैट ओनर कि मेरे घर में ये फंक्शन है तो मैं ये चीज टेरेस पे करने वाला हूँ, बट आई विल एंश्योर दैट देर इज नो डैमेज टू द स्ट्रक्चर एंड आई विल टेक केयर ऑफ इज क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस एंड गिव इट एंड कीप इट इन एज इज वेर इज कंडीशन. मतलब जैसे मैं लूंगा या लेंगे हम वैसे ही उसको वापस रखेंगे साफ सफाई करके हमारा फंक्शन होने के बाद. उसको रेंट पे नहीं दे सकता है सोसाइटी. हाउएवर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होता है, एक मिनिमल कॉस्ट जो होगा, जैसा कुछ क्लीनिंग के बारे में, अगर मेंबर बोलता है कि मुझे नहीं जमेगा क्लीनिंग के लिए, तो जो उनका हाउसकीपिंग का डिपार्टमेंट है सोसाइटी का वो क्लीनिंग करवा सकता है. तो उसके लिए जो भी उनका कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होगा वो मेंबर को देना पड़ेगा. और अगर कोई डैमेजेस होता है टेरेस पे, कुछ टूटता है, तो दैट विल बी द पर्सन हु हैज टेकन द एट दैट टाइम, ये उसका लाइबिलिटी होगा वो डैमेज को भर के देने का. अभी इंस्टॉलेशन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल सोलर वाटर सिस्टम, स्टोरिंग ऑफ ओल्ड जंक फर्नीचर, बाइसिकल एक्सेट्रा अबव द ऑन द टेरेस इज प्रोहिबिटेड. मतलब अभी आपने आपके घर में रिनोवेशन किया, आपने नया कबर्ड खरीदा, अपने बच्चे के लिए नई साइकिल खरीदी, तो चलो ये ऊपर रख दो टेरेस पे. आप ऐसा नहीं कर सकते. कुछ भी जंक वगैरह आप अपने टेरेस पे जमा नहीं कर सकते हैं एंड यू विल बिकम लायबल अंडर द फायर एक्ट. द इश्यू ऑफ द कॉमन स्पेसेस एंड द ऑन द टेरेस आर रिस्ट्रिक्टेड फॉर फ्री मूवमेंट. मतलब ओपन स्पेस का मतलब क्या है कि इंसान फ्रीली चल सकता है, बैठ सकता है चेयर लगा के. ठंड की सीजन है, चार पांच सोसाइटी के लोग जाके ऊपर धूप में थोड़ा सन बात लेते हैं, जो लोग विटामिन डी के लिए वो करने के लिए ऊपर बैठ गए, वो सब कर सकते हैं. लेकिन कुछ भी जंक वगैरह जमा करके उस स्पेस को वो लोग गंदा नहीं कर सकते हैं. ना सब्जेक्ट टू वेरियस पैरामीटर्स अंडर द डेवलपमेंट कंट्रोल रूल 29, द FSI फ्री लिमिटेड टेरेस स्पेस कैन बी यूज फॉर इंस्टॉलिंग एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग्स, एंटीना, मोबाइल टावर्स, बट आफ्टर ऑब्टेनिंग रेलिवेंट परमिशन फ्रॉम द लोकल सिविक बॉडी. अब हम लोग अक्सर देखते हैं सोसाइटी के ऊपर इलीगल मोबाइल टावर्स बने हैं, और इस पे हम लोग का एक सेमिनार भी सर ने कर दिया है ऑलरेडी, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगा, आप लोग वो भी देख सकते हैं. तो इलीगल मोबाइल टावर्स लगाते हैं, बट उसके लिए आपको BMC की परमिशन, फायर डिपार्टमेंट की परमिशन, ऑडिट रिपोर्ट लेना पड़ेगा आर्किटेक्चर से कि आपकी बिल्डिंग ये सब लोड लेने के तैयार है, उसके बाद आप वो इंस्टॉल कर सकते हैं. बट ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग द जो भी लोकल फॉर्मेलिटीज है लोकल बॉडी की, जैसे बॉम्बे में BMC है या पुणे में PMC है, इन दोनों बॉडीज की परमिशन लेने के बाद ही आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं, वरना वो इलीगल कहा जाएगा. ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ हैज टू बी फॉलोड एंड इफ देर इज अप्रूवल ऑफ द सेम इन द जनरल बॉडी मीटिंग वायर अ प्रायर नोटिस एजेंडा रेजोल्यूशन सब्जेक्ट टू वेरियस पैरामीटर्स. मतलब इसके लिए ऐसा नहीं कि चेयरमैन ने डायरेक्टली लेटर लिखा और BMC को या PMC को भेज दिया, हमको ये इंस्टॉल करना है, आप परमिशन का NOC दे दिए. नहीं, इसके लिए जनरल बॉडी मीटिंग बुलानी पड़ेगी, रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और वो सब पैरामीटर्स फॉलो, ड्यू पैरामीटर्स फॉलो करने के बाद ही वो इंस्टॉलेशन हो पाएगा. इट इज नॉट दैट एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट रात को डिसाइड किया सुबह में इली मोबाइल टावर आया या सोलर वाला आ गया और इंस्टॉल कर दिया. नहीं, प्रॉपर परमिशन वगैरह मिलने के बाद ही वो लोग वो सब कर सकते हैं. इट इज अ प्रोसिक्यूटेबल ऑफेंस टू लॉक द टेरेस्ट डोर अंडर वेरियस प्रोविजन ऑफ द डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स 38 रेड विथ 43, फर्दर रेड विथ 44. द बिल्डिंग टेरेस कैन नॉट बी केप लॉक
or lashed even from inside or outside, and shall always be freely accessible and have unrestricted entry irrespective of any criteria. मतलब टेरेस का डोर्स को आप ना ही अंदर से लैच कर सकते हो ना बाहर से उसको बंद कर सकते हो, मतलब 24/7 इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग टेरेस हमेशा खुला ही रहेगा. बीएमसी उसके खिलाफ एक्शन ले सकती हो अगर आपको आपने टेरेस को लॉक किया, तो बीएमसी कैन फाइल अ प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 55 ऑफ द एमआरटीपी एक्ट एंड अंडर सेक्शन 381 रेड विथ 481 ऑफ द बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1888. मतलब दोनों एक्ट के अंदर, फायर एक्ट, एमआरपीटी एक्ट और बीएमसी एक्ट के अगेंस्ट में आप पे ऑब्जेक्शन लिया जाएगा. और एक्सेस टू टेरेस कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड और स्टॉप टू एनी मेंबर. दिस मीन्स दैट द डोर ऑफ द टेरेस कैन नॉट बी लॉक्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. कोई कोई एक्सक्यूज देते हैं कि किसी ने जंप कर लिया, किसी ने सुइसाइड कर लिया, तो हम लोग वो डर की वजह से ये टेरेस लॉक करते. जी नहीं, अगर ऐसा होता तो जैसा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि अगर ऐसा होता तो रेलवे ब्रिज भी कंस्ट्रक्ट नहीं होते, उस पे से भी लोग कूद के जान दे सकते थे. तो किसी भी कीमत, लेकिन ब्रिजेस होते हैं, रेलवे ब्रिजेस होते हैं, अब फ्लाईओवर्स होते हैं, एवरीथिंग इज, वो भी ओपन ओपन टू स्काई रहते हैं ना. जिसको कुछ करना है वो तो कर सकता है, कहीं से भी जाके कर सकता है. वी हैव हर्ड सो मेनी केसेस ऑफ सुइसाइड फ्रॉम होटल्स एंड ऑल ऑल्सो, होटल टेरेस और समवेयर व्हेन द पर्सन गोज. बट ये रीजन दे के इसके आड़ में सोसाइटी ये नहीं कह सकता है कि बाबा ये डर की वजह से हमने टेरेस लॉक कर दिया है. इट इज टोटली इनलीगल एंड नॉट एक्सेप्टेबल. अभी जो सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी पे आते हैं, अगर सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी आर रिस्ट्रिक्टिंग एंड रिस्ट्रेनिंग एनी मेंबर फ्रॉम एक्सेसिंग द बिल्डिंग टेरेस फॉर एनी रीजन, कैन बी क्रिमिनली प्रोसिक्यूटेड अंडर द इंडियन पीनल कोड इन द लोकल मैजिस्ट्रेट कोर्ट. मगर अगर किसी मेंबर ने कंप्लेन किया कि ये मैनेजिंग कमेटी टेरेस का यूज नहीं करने देती है, हर समय इसको लॉक रखती है, तो अंडर द इंडियन पीनल कोड आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है लोकल मैजिस्ट्रेट कोर्ट. रिटन कंप्लेन और नोटिस कैन बी मेड टू द चीफ फायर ऑफिसर ऑफ द फायर डिपार्टमेंट अबाउट सच लॉक टेरेस, हु शैल बी बाउंड टू इनिशिएट लीगल एक्शन ऑन द बिल्डिंग ओनर और सोसाइटी फॉर लॉकिंग द टेरेस, विच मीन्स रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू द टेरेस. अंडर इंडियन पीनल कोड जैसा रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जो भी सेक्शन आते हैं, उसके अगेंस्ट में आप उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं. अगर अथॉरिटीज ने भी आपको आपकी कंप्लेन को नजरअंदाज कर दिया तो उसके लिए भी आप एक्शन ले सकते हो. इन सच केसेस यू कैन राइट फाइल अ रिटन कंप्लेन और अ नोटिस टू द डायरेक्टली टू द लोकल मैजिस्ट्रेट कोर्ट अंडर सेक्शन 156 इन ब्रैकेट 3(4) ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड फॉर इनिशिएटिंग नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट द मैनेजिंग कमेटी. एंड फिर पुलिस उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगी, लोगों से पूछेगी वहां आके, और अपना रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करेगी, और उस रिपोर्ट के हिसाब से फिर वो मैनेजिंग कमेटी पे एक्शन लिया जाएगा. अब टेरेस का लीकेज, ये आज अपना मेन टॉपिक है. जैसे टेरेस पे जो लीकेज होता है ड्यू टू रेन्स और वॉट एवर द रीजन, वाटर टैंक जो अक्सर आजकल बिल्डिंग में ओवरहेड वाटर टैंक्स होते हैं, कभी कभी उसमें लीकेज होता है, धीरे धीरे पानी सीप होता है, तो उसमें से लीकेज जब होता है, तो वो जो आज का अपना मेन टॉपिक है, अब उस पर आते हैं. टेरेस लीकेज अफेक्टेड अग्री मेंबर और फ्लैट ओनर कैन डायरेक्टली कंप्लेन और सर्व अ प्रॉपर नोटिस टू द बीएमसी टू फाइल अ प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 381 रेड विथ 482 ऑफ द बीएमसी एक्ट अगेंस्ट द सोसाइटी सेक्रेटरी फॉर फेलिंग टू स्टॉप द लीकेज. अभी समझो, एक्चुअली ये जो लीकेज का प्रॉब्लम अक्सर जो होता है, पहले जो टॉप मोस्ट फ्लैट ओनर है उसको होता है, क्योंकि पहला टेरेस का पानी उसके ही फ्लैट में दिखना शुरू हो जाता है. मे बी फिर जब उसको निगलेक्ट किया जाता है तो वॉल से सीप हो के वो उसके नीचे वाला जो फ्लैट होगा उसमें दिखेगा. बट द मेन पर्सन हु इज अफेक्टेड, द मेन फ्लैट ओनर विल बी द पर्सन हु इज स्टेइंग ऑन द लास्ट फ्लोर जस्ट बिलो द टेरेस. सो इफ दैट फ्लैट ओनर कंप्लेन्स टू द सेक्रेटरी और द चेयरमैन, especially the secretary, and if the secretary doesn't take any notice of this complaint, then the member can file a complaint to the fire department, as I've just mentioned, and raise an objection and ask them to come and see the leakage and take action against the secretary. Police FIR under section 336
read with 34 of the Indian Penal Code can be filed against the top floor member and the society secretary for failing to stop the leakage. मतलब अभी सपोज टॉप फ्लोर पे जो रह रहा है टेरेस के नीचे वाले फ्लैट में, उसने भी कुछ एक्शन नहीं लिया और उसकी ये गैर जिम्मेदारी की वजह से उसके बिलो के फ्लैट में भी लीकेज होने लगा, तो वो फ्लैट ओनर, वो फ्लैट ऊपर के फ्लैट ओनर और सेक्रेटरी दोनों के खिलाफ कंप्लेन कर सकता है. बिकॉज ऑफ देयर नेग्लिजेंस उसका भी फ्लैट खराब हो रहा है. सो सच एन FIR कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द सेक्रेटरी फॉर फेलिंग टू स्टॉप लीकेज फ्रॉम टेरेस. द रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी डज नॉट हैव एनी ज्यूरिस्डिक्शन. अभी देखो हम लोग के जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है इट इज गवर्न अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एंड मॉडल बायलॉज. लेकिन ये जो लीकेज का प्रॉब्लम है टेरेस का, इसके अंदर रजिस्ट्रार का कोई भी ज्यूरिस्डिक्शन नहीं आता है और उधर कंप्लेन रेज करके शायद वो ग्रीवेंस एड्रेस भी नहीं हो पाएगा. एक इंटीमेशन आप दे सकते हो लेकिन उनके पास ये बात का ज्यूरिस्डिक्शन बिल्कुल भी नहीं है. फॉर एजुडिकेटिंग और एंटरटेनिंग और पासिंग एनी ऑर्डर और डिरेक्शन ऑन टेरिस रिलेटेड कंप्लेन्स और इश्यूज. मतलब टेरिस रिलेटेड जो भी कंप्लेन्स या इश्यूज है उस पर डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट विल नॉट बी एबल टू डू एनी जस्टिस टू इट बिकॉज दे डू नॉट हैव द ज्यूरिस्डिक्शन नॉट डू दे हैव द अथॉरिटी. अभी कम्स टू पॉकेट टेरिस. पॉकेट टेरिस सर हैज ऑलरेडी एक्सप्लेन बट आई स्टिल जस्ट गो थ्रू इट इन शॉर्ट. Pocket terrace is a private terrace exclusively socially attached to an individual flat which is FSI free and an open space which can be accessed used only from within the flat. मतलब बाहर दूसरे फ्लैट ओनर वाले को उसका एक्सेस नहीं रहेगा, जो फ्लैट ओनर उधर रह रहा है उसी को उसका एक्सेस होगा. एंड दिस इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज अ प्राइवेट पॉकेट टेरेस और अ कॉमन स्पेस अवेलेबल टू दैट फ्लैट ओनर. एंड इट वुड बी अ ऑफेंस under rule and under the development control rules and the MRTP act and fire act to enclose the pocket terrace by brick mortar which some part may be enclosed by using temporary materials also. kabhi wo tin shed wagera to allow ho gaya hai lekin aap usko open terrace ko aur brick wall laga ke uske andar ek room ke jaisa bana ke waisa nahi kar sakte. agar wo open hai उसको आपको ओपन ही रखना है. हाँ ऊपर से आप कुछ टिन वगैरह शेड वगैरह बना सकते हो लेकिन उसको 100% एनक्लोज नहीं कर सकते. और उसका यूज होता है क्यों, तो इंडिविजुअल फ्लैट ओनर को अपना गैस सिलेंडर है, उनका कुछ ओल्ड न्यूज़पेपर्स है, वो जो कुछ भी है वो वहां पे रख सकते हैं, कपड़े सुखा सकते हैं, बैठ सकते हैं. तो इट इज लाइक दैट, इट इज फॉर द प्राइवेट यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लैट ओनर. अब नेक्स्ट आता है अपना, अब ये जो पॉकेट टेरेस है उस पे भी सोसाइटी कुछ भी चार्जेस नहीं लगा सकती है. दीज आर अ कॉमन एरियाज ऑफ द इंडिविजुअल फ्लैट ओनर्स. और अभी जो पॉकेट टेरेस है उसमें कुछ भी लीकेज होता है, अभी कभी कभी होता है लोग वो ओपन टेरेस में अपने फ्लैट के गमले रखते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, एक छोटा सा गार्डन जैसा बना देते हैं, तो अगर उसकी वजह से इफ देर इज एनी लीकेज फ्रॉम दैट पॉकेट टेरेस टू एनी बडीज फ्लैट और टू द पॉकेट टेरिस ऑफ द फ्लैट बिलो, फिर वो लीकेज की जिम्मेदारी विल बी द ओनर ऑफ द फ्लैट ओनर. इसमें सोसाइटी का कोई भी से नहीं होगा. द फ्लैट ओनर कैन नॉट कंप्लेन टू द सोसाइटी कि माई टेरिस इज लीकिंग, प्लीज रिपेयर द स्ट्रक्चर. इट विल बी द ड्यूटी एंड लाइबिलिटी ऑफ दैट फ्लैट ओनर टू रिपेयर हिज इंडिविजुअल पॉकेट टेरिस फॉर लीकेज कॉज एंड कॉजिंग डिस्टर्बेंस टू अनदर फ्लैट ओनर. अब पॉकेट टेरिस और बैल्कनी इस दोनों चीजों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन फिर भी एक डेफिनेशन के तौर पे इसको अपन देख लेते हैं. बैल्कनी इज अ वेरी स्मॉल वर्जन ऑफ अ पॉकेट टेरेस विच इज अ स्टेटस सिंबल. जैसे एक बैल्कनी होता है, इंडिविजुअल बैल्कनी बोलते हैं. अ हार्डली यूज एंड नो सच सिग्निफिकेंस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द बैल्कनी स्पेस. इट इज जस्ट लाइक ए जंक यार्ड फॉर स्टोरिंग सम, जैसा न्यूज पेपर है, सिलेंडर है, कभी कभी वो बैल्कनी का यूज है. अभी एक फैशन भी आ जाता है जैसा वो ड्राई टेरेस देते हैं वॉशिंग मशीन वगैरह. अभी न्यू जो बिल्डिंग आ रही है उसमें यू हैव दैट ड्राई टेरेस एरिया वे यू कैन कीप योर वॉशिंग मशीन और वो सब वाटर फिल्टर वगैरह करने का वो कनेक्शन वगैरह बिल्डर दे देते हैं. लेकिन अगर उसमें भी लीकेज हो और वो आपका घर से हो रहा है, आपके टेरेस से हो रहा है, तो वो रिपेयर करने की जिम्मेदारी आपकी होगी. अब टेरेस लीकेज पे आते हैं जो अपना आज का मेन टॉपिक है.
today sare definitions terrace correlated we have understood it. Now any type of leakage in the flat located just below the terrace shall be within the parameters of leakage from terrace. मतलब अभी ए का फ्लैट ऊपर है, उसके नीचे बी का फ्लैट है, तो जो लीकेज टेरेस से होगा ए के फ्लैट के टेरेस से, इट विल बी ट्रीटेड एज अ लीकेज एंड इट विल बी टर्म्ड एज अ लीकेज फ्रॉम टेरेस होगी. उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि लीकेज फ्रॉम फ्लैट, बिकॉज वो एक टेरेस है, पॉकेट टेरेस है, बालकनी है, इट विल बी ट्रीटेड एज अ लीकेज फ्रॉम टेरेस होगी. Such leakage should be a result of rainwater overflow of leakages from the overhead water tanks, uneven floorings, natural cracks that may be developed because of hammering when making furniture or playing cricket or even pounding. जैसा अभी इसमें दिया हुआ है, अभी जो ऊपर के फ्लैट में लोग उनके ग्राउंड पे बैठ के मसाला कूटते हैं, ग्राउंड द मसाला और सम पाउडर, सो यू हैमर इट. So when you hammer it on the tile, it could cause some kind of vibration in the surface below the tile, which could loosen the concrete or anything, and this could also cause the leakage. That's why it is always advisable कि जब आप कुछ भी कूटो तो एक कपड़ा भिजाइए, एक थोड़ा गादी के जैसे कपड़ा भिजा के उसको रख के फिर कूटे, ताकि उसका जो इम्पैक्ट होता है वो टाइल के नीचे के सर्फेस पे थोड़ा कम हो जाए. अब who can file a complaint? A registered member on record or an authorized occupant on record is entitled to file complaint relating to leakages. Even a non-affected public member can file complaint before the BMC, requesting to take some suo motu cognizance of some leakages. अब non-member कैसे कहें? अभी कुछ buildings ऐसी होती है जिसकी balcony road पे होती है, नीचे उसकी दुकान होती है, किसी की दुकान है, और आपने ऊपर से पानी डाल दिया तो वो नीचे पानी टपकता रहता है, और अगर कोई कस्टमर है वो जो दुकान में जा रहा है उसके ऊपर वो पानी गिरता है, तो वो इंसान भी कंप्लेन कर सकता है कि इधर से लीकेज हो रहा है और ये पानी पूरा रास्ते पे गिर रहा है, ये सब पानी हमारे सर पे गिर रहा है, तो प्लीज इसके ऊपर आप सुओ मोटु एक्शन लीजिए. एनी टाइप ऑफ लीकेज शैल इवेंचुअली पुट द बिल्डिंग एट रिस्क टू पासिंग पब्लिक मेंबर्स. मतलब अगर जो रास्ते से पब्लिक चल रही है या जो लोग नीचे रह रहे हैं वो उसको वो लीकेज की तकलीफ हो सकती है और वो बिल्डिंग को भी रिस्क हो सकता है. कैन अ लाइसेंस टेनेंट फाइल लीकेज कंप्लेन. अभी टेनेंट है, आपने अग्रीमेंट कर दिया है, मे बी यू आर नॉट स्टेइंग इन इंडिया, यू आर स्टेइंग अब्रॉड, यू हैव अ टेनेंट, यू हैव डन एन लीज अग्रीमेंट फॉर 5 years, 6 years, यू ट्रस्ट दैट टेनेंट तुम्हारा कोई फ्रेंड ही है, तो आपने लॉन्ग लीज कर दिया है और वो टेनेंट रह रहा है, तो क्या वो लाइसेंस टेनेंट भी कंप्लेन कर सकता है? यस, दिस वुड बी डिपेंड ऑन द क्लॉजेस ऑफ द ड्यूली रजिस्टर्ड लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट. अभी अगर लीव और लाइसेंस अग्रीमेंट में ओनर ने टेनेंट को वो राइट्स दिए हुए हैं कि ही कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस और डिस्टर्बेंस दैट इज कॉज्ड टू हिम ड्यूरिंग हिज स्टे इन द फ्लैट, फिर वो भी कंप्लेन कर सकते हैं. टेनेंट वुड हैव टू impede the cooperative housing society, the secretary and the flat owner. This is possible by virtue of rupees 100 paid as nominal membership fees. मतलब वो एक nominal member बन जाएगा, पहले 100 rupees pay कर देगा nominal member बनने के बाद. Under the prescribed bylaws of the cooperative housing society act, bylaw number 20 read with 24b, the tenant is defined as a nominal member of the cooperative housing society. अभी लीकेज मेंबर, लीकेज का जो कंप्लेन है कोई भी मेंबर का, वो हम लोग किसके अगेंस्ट और किस किस को कर सकते हैं? लीकेज कंप्लेन कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट फर्स्टली इन नेम ऑफ द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, पहले, सेकेंडली अगेन द डेजिग्नेशन ऑफ द सेक्रेटरी, देन इम्प्लीडिंग अदर्स एमसी मेंबर्स इज हूएवर इट इज द फ्लैट ओनर एंड अदर मेंबर्स टू कैन बी पुट एज अ ज्वाइंट members and a complaint can be made. Why the society is bound to repair the terrace leakage? क्यों society का duty हो जाता है कि वो terrace repair करे? क्योंकि पूरा building और वो terrace, वो पूरा जो building का surface area होता है foundation और जो terrace होता है वो पूरा parameter जो boundary का होता है वो पूरा terrace होता है ऊपर. मतलब कुछ भी leakage हो तो उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे करके पूरे बिल्डिंग को नीचे तक उसको ग्राउंड लेवल पे अफेक्ट कर सकता है. सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट और द एक्सपेंस, सोसाइटी बीइंग द ट्रस्टी
and custodian is legally bound to repair the terrace leakages due to the following reasons. Society MC, that is the managing committee, and the society members are legally bound to abide by the society bylaws without any exceptions whatsoever and whichever. A bylaw number 67 prescribe karta hai the following words. Following repair and maintenance of property of the society shall be carried out by the society at its cost. So, uske andar kya kya criteria aata hai? External water pipelines, structural repairs of roof of all flats, टेरेस एंड पैरापेट वॉल्स. पैरापेट वॉल्स मीन्स वो जो कॉमन वॉल्स होते हैं जो टेरेस को लग के होते हैं वो पैरापेट वॉल्स. स्ट्रक्चरल रिपेयर ऑफ ऑल रूफ्स ऑफ द फ्लैट्स. एक्सटर्नल वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग. ऑल लीकेजेस ऑफ वाटर इंक्लूडिंग लीकेजेस ड्यू टू रेन वाटर, लीकेजेस ड्यू टू एक्सटर्नल कॉमन पाइपलाइन एंड ड्रेनेज लाइन. द डैमेज सीलिंग एंड प्लास्टर देयर ऑफ ऑन द टॉप फ्लोर फ्लैट्स ऑन अकाउंट ऑफ द लीकेज ऑफ द रेन वाटर थ्रू द टेरेस. मतलब टेरेस का जो पानी धीरे धीरे सीप होगा वो जिधर भी गैप, पानी को जिधर भी गैप मिलता है पानी का सोर्स उधर मुड़ जाता है. तो इससे जो भी लीकेजेस कॉज होता है, वी हैव स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स. काफी सारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होते हैं जो आके इंस्पेक्शन करते हैं फिर उसका रिपोर्ट बना के देते हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द लीकेज एंड वेयर इज द सोर्स ऑफ द लीकेज. तो दे आर ट्रेन टू डू दैट, बेसिकली उनका वो जॉब ही होता है. ऑर्डिनरी प्लम्बर को वो ऊपर ऊपर लीकेज वो खाली बता देगा इधर से है, एक इंजेक्शन दे देगा, 6 महीने तक के लिए लीकेज बंद हो जाएगा लेकिन उसके बाद फिर चालू हो जाएगा. सो दैट इज अ टेम्पररी सोल्यूशन एंड इट इज अ रिस्की सोल्यूशन. पहले इम्पोर्टेंट क्या होता है कि सोर्स ऑफ लीकेज को फाइंड करें, कहाँ से लीकेज हो रहा है, टेरेस से हो रहा है, किसी के फ्लैट के बाथरूम में हो रहा है, कहाँ से लीकेज हो रहा है. एक बार सोर्स आइडेंटिफाई हो गया उसके बाद ही रिपेयर के लिए आगे बढ़ना चाहिए. Now, who is liable for terrace leakages? Under section 73(1) and 1AB, society managing committee responsible for all the acts and omissions detrimental to the interests of the society. मतलब managing committee जो है on उस वक्त की जो existing managing committee है वो leakage होने के वक्त, that society की managing committee is 100,000% bound for all the action that will occur because of this leakage. So it will be, they will be duty bound to repair it. Under section 154B(1) in bracket 19, 9, sorry, the committee means the managing committee or other governing body of the society to which the direction and control of the management of the affairs of the society is vested with. Matlab society ka managing ki committee ke upar pura vested hai affairs. मेंटेनेंस का, क्लीनिंग का, पानी का. तो जो रिपेयर का पार्ट भी आता है ये भी इज वेस्टेड विद द मैनेजिंग कमिटी एंड दे आर लीगली बाउंड टू डू इट. बिल्डिंग टेरेस बीइंग अ कॉमन ओपन स्पेस इज इन एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ द सोसाइटी हु इज द ट्रस्टी एंड कस्टोडियन मोर सो स्पेसिफिकली अंडर द सोसाइटी रिफ्लेक्स इज बिल्डिंग एज असेट्स इन द सोसाइटीज बैलेंस शीट. जो बिल्डिंग होती है जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनता है ऑडिट के बाद, तो उसमें वो सोसाइटी अपने बिल्डिंग को एक एसेट के तौर पे दिखाती है. असेट मीन्स विच हैज वैल्यू फॉर एप्रिसिएशन. अभी जब हम देखते हैं इवन एप्रिसिएशन क्यों होता है फ्लैट्स का, बिकॉज इट इज एन असेट. तो ये एक एप्रिसिएशन होना बाद और इसको एक असेट बोल के मैनेजिंग कमिटी उसको अपने बैलेंस शीट में दिखाती है एंड उसका डेप्रिसिएशन भी लेती है. डेप्रिसिएशन क्यों लेती है, क्योंकि वो रिपेयर कॉस्ट वगैरह जो होता है, जैसे बिल्डिंग पुरानी होती है उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू भी आ जाता है एज डिसाइडेड बाय द लॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम. द सोसाइटी मैनेजिंग कमिटी देयरफॉर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपेयर्स टू द टेरेस बाय वर्च्यू ऑफ इज पोजिशन एंड द एक्शन दैट नीड्स टू बी टेकन वेस्ट विद द सोसाइटी इन इटसेल्फ. दिस लाइबिलिटी एक्सटेंड्स टू फेसिंग क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स इफ दे निग्लेक्ट दिस एस्पेक्ट. अगर सोसाइटी निग्लेक्ट करती है और वो बोलती है नहीं नहीं फ्लैट ओनर्स ने खुद ने कर लेना चाहिए, ये सोसाइटी अक्सर ऐसा होता है. मैनेजिंग कमिटी कभी भी लीकेज का जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेता है. वो ऊपर वाले फ्लैट को बोलेगा तुम्हारे वहां से लीकेज हो रहा है, या नीचे वाले फ्लैट ओनर को बोलेगा आप दोनों में सेटल कर लो, 50-50% आप लोग कॉस्ट बेयर कर लो और रिपेयर करवा लो. लेकिन ऐसा इग्नोरेंस से बात करना या आके देखना ये उनकी जिम्मेदारी है. अगर वो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो दे विल बी क्रिमिनली बाउंड एंड इवन दे विल बी बाउंड सिविली.
Prosecution under the Consumer Protection Act also for its omission, negligence, etc. More so because the whole building structure and for risking life and property of the residents and public at large. मतलब लोग भी आते जाते हैं, बाहर के लोग आते हैं, गॉड फॉरबिड कुछ एक्सीडेंट होता है तो द सोसाइटी विल बी लायबल फॉर ऑल द डैमेजेस दैट मे बी कॉज्ड. यू कैन ऑल्सो फाइल अ प्रोसीडिंग इन द कंज्यूमर कोर्ट फॉर टेरिस लीकेजेस. द कंज्यूमर कोर्ट्स, द डिस्ट्रिक्ट फोरम एंड स्टेट कमीशन हैव ऑलरेडी डिसाइडेड मेनी मैटर्स रिलेटेड टू लीकेजेस ऑफ टेरिसेज एंड अवॉर्डेड डैमेजेस एंड कॉम्पनसेशन टू द अग्री फ्लैट ओनर एट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द सोसाइटी. मतलब जो भी कॉस्ट होगा वो कंज्यूमर कंप्लेन का या कोर्ट में जाने का, द सोसाइटी विल बी लायबल टू बेयर इट इन केस दिस कॉस्ट आर पेड बाय द कंप्लेनेंट इन हिज कंप्लेन इन द कंज्यूमर कोर्ट एज वेल. यू कैन फाइल प्रोसीडिंग्स इन द मैजिस्ट्रेट कोर्ट ऑल्सो फॉर टेरिस लीकेजेस एंड अग्रीड एंड सफरिंग फ्लैट ओनर इज एंटाइटल्ड टू फाइल कंप्लेन्ट्स इन द लोकल क्रिमिनल म्युनिसिपल कोर्ट फॉर टेरिस लीकेजेस बाय फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ. This is possible more so specifically since leakages cause corrosion and damage to the whole building structure, risking life and property of its residents. मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है. लीकेज तो धीरे धीरे होते रहता है, लेकिन वो धीरे धीरे होने की लीकेज की वजह से इट कुड कॉज अ मेजर डैमेज टू द बिल्डिंग. हम लोग ने लीकेज पे भी एक शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग वी हैव डन सेमिनार एंड वेबिनार ऑन लीकेज एज वेल. Wherein we have even spoken about leakages of flats and all. अभी एक ये होता है जो 10 feet high chain link fencing all around the terrace wall, allowing children to play safely in the terrace, free ground level space for car parking etc. अभी जैसा बॉम्बे है where space is a restraint. So वो क्या करते हैं कि नीचे तो car parking है तो बच्चे कहाँ पे खेलेंगे, तो the terrace has been enclosed विथ अ चेन लिंक फेंसिंग. मतलब ताकि जब वो लोग क्रिकेट वगैरह कुछ खेले तो द बॉल शुड नॉट गो डाउन. सो बट वाइल इरेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स दे हैव टू टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस, टेक गेट अ स्ट्रक्चरल ऑडिट डन, आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट लेना चाहिए कि इतना लोड ये जो कंस्ट्रक्ट करेंगे फैब्रिकेशन का वर्क वगैरह ये सब चेन लिंक फेंसिंग करने के वक्त होगा उतना वो बिल्डिंग ले सकता है या नहीं. कभी कभी ये चेन लिंक फेंसिंग इसलिए भी किया जाता है कि लोग जैसा वो हम लोग ने स्टार्टिंग में बात की थी कि देयर शुड बी नो सुइसाइडल अटेम्प्ट्स बाय एनीबॉडी. सो दे इट इज जस्ट एज अ प्रिकॉशन दैट द टेरेस इज कवर्ड टू अवॉइड एन अनड्यू एक्सीडेंट. मतलब कोई कोई चीज ऐसी ना हो जाए जिस पे जिम्मेदारी सोसाइटी पे आ जाए, तो हर सोसाइटी मैनेजिंग कमिटी भी अपना ड्यू प्रिकॉशन और केयर लेता है अपनी तरफ से दैट दे डोंट वांट टू बी इन्वॉल्वड इन अननेसेसरी लीगल हैसल्स. सो दे मे गो अहेड एंड पुट अप अ चेन फेंसिंग टू अवॉइड एनी अनड्यू इंसिडेंट. क्योंकि एक्सीडेंट कभी बोल के नहीं होता है, एक्सीडेंट जस्ट हैपन्स. सो टू अवॉइड दिस समटाइम दे टेक द सुमोटो डिसीजन टू फिक्स इट. समटाइम इट इज इन द इंटरेस्ट एंड दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग एंड दे शुड डू इट बट फॉलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. नाउ सेक्शन 154B(1) इन ब्रैकेट 9, द मैनेजिंग कमिटी एंड द गवर्निंग बॉडी ऑफ द सोसाइटी under the direction and control of the management with its members for carrying on the affairs of the society are entrusted with this job of getting everything done, ensuring that there is no leakage on the terrace, and if there is, to get it repaired. Now, nuisances by society members on the terrace. अभी ये भी होता है. अभी ऐसा ही नहीं कि हर बार पार्टी होगी, बर्थडे सेलिब्रेशन होता. कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है, कुछ फ्लैट ओनर्स बदतमीजी करते हैं, न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, किसी की के बच्चे शोर करते हैं, गंदा कर देते हैं, कभी कभी अपने दोस्तों को बुला के जैसा शराब पीना या ऐसा कुछ करना. सो ऑल दिस न्यूसेंसेस शुड नॉट बी अलाउड. सो न्यूसेंसेस बाय सोसाइटी मेंबर्स ऑन द टेरेस, सम पीपल ड्रिंक अल्कोहल, यूरिनेट, डिफेकेट द प्लेस विच इज क्लासिफाइड एज ए न्यूसेंस, रिस्क टू द हेल्थ ऑफ द लिविंग मेंबर्स ओवर देयर, एंड दिस शुड नॉट बी अलाउड. एंड द सोसाइटी मैनेजिंग कमिटी हैज फुल अथॉरिटी to take action against such members. अगर टेरेस पे लीकेज है तो पहले तो फ्लैट ओनर ने क्या करना चाहिए, एक नोटिस या एक लेटर लिखना चाहिए मैनेजिंग कमिटी को कि इस तरह का लीकेज हमारे फ्लैट में दिखाई दे रहा है, तो प्लीज आप आके इसको इंस्पेक्ट कीजिए, प्लीज लुक इन टू इट, प्लीज ट्राई टू फाइंड द सोर्स एंड सी वॉट कैन बी डन. फ्रॉम माई साइड वॉट एवर आई कैन हेल्प, वॉट एवर कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड,
आई एम रेडी टू डू इट। तो ऐसा होता है, लेकिन द लायबिलिटी राइज ऑन द मेंबर एंड द कुछ भी लीकेज हो तो आप उसको मैनेजिंग कमिटी के नोटिस पे प्लीज लेकर आइए। फ्लैट ओनर हैज टू ऑल्सो गेट एन आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट, प्राइवेट आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट विच विल सर्टिफाई द टाइप ऑफ आइटम्स एंड द क्वांटम ऑफ लॉसेस ऑफ दोज आइटम्स। जैसे एक सिविल आर्किटेक्ट होगा वो अप्रोक्सीमेटली एक कॉस्ट बता देगा कि क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सा पार्ट आपका तोड़ना पड़ेगा, उसका कितना रिपेयर कॉस्ट होगा, उसका उसको क्या क्या लगेगा। तो द आर्किटेक्ट विल बी एबल टू एडवाइज इन अ बेटर वे एंड इट इज बेटर टू गेट एन एक्सपर्ट। लोकल प्लम्बर कुछ नहीं कर सकते, वो उल्टा तोड़ फोड़ के आपके घर का नुकसान कर दे, आपका पूरा जो इतना आपने कुछ खर्चा किया होगा उसको और आपको डबल कॉस्ट में करना पड़ेगा। तो ऑलवेज पे लिटिल मोर बट गेट अ एक्सपर्ट एडवाइस फ्रॉम द राइट पर्सन एंड लेट द राइट पर्सन डू द राइट जॉब। डोंट ट्राई टू सेव मनी वेर यू शुड नॉट बी डूइंग इट, बिकॉज इन द लॉन्ग रन इट कुड इफेक्ट यू, इट कुड इफेक्ट द पीपल हु आर लिविंग बिलो एज वेल। अब अगर कुछ सोसाइटी का जो टॉप फ्लैट ओनर है उसका लीकेज का जो टेरेस का लीकेज का मेजर काम होगा और उसको वहां से शिफ्ट करना पड़ेगा, तो वो सोसाइटी की जिम्मेदारी होगी कि वो फ्लैट ओनर को कहीं और शिफ्ट करे और उसका जो भी रेंटल होगा वो सोसाइटी को बेयर करना पड़ेगा। और दे कैन कम अप विथ सम टाइप ऑफ सोल्यूशन बिटवीन देम ऑफ शेयरिंग 50% ऑल्सो, बट टोटल लाइबिलिटी विल बी ऑफ द फ्लैट ओनर अगर वो लीकेज टोटली टेरेस की वजह से है। फिर सोसाइटी का फ्लैट ओनर जिसका खुद का फ्लैट है उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी, सोसाइटी की जिम्मेदारी होगी, मैनेजिंग कमिटी की जिम्मेदारी होगी ताकि वो रिपेयर होने तक वो फ्लैट ओनर को कोई शेल्टर प्रोवाइड करे ताकि वो सुकून से अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं। और फ्लैट रिपेयर होने के बाद पूरा काम करके उनका जैसा फ्लोर ऊपर का जो स्ट्रक्चर था टेरेस के नीचे का उसको उसी तरह उनको रिपेयर करके हैंड ओवर करें। और हमेशा विटनेस रखिए, जब आप कोई भी लीकेज ऑब्जर्व करते हो और जाते हो देखने के लिए तो टेक टू पीपल फ्रॉम द योर फ्लैट और फ्रॉम सम अदर बिल्डिंग, योर फ्रेंड और समबडी, एंड कीप एन विटनेस दैट दिस लीकेज इज देयर, यू हैव सीन इट, यू हैव शोन इट। सो इन केस देयर इज थिंग्स गो आउट ऑफ हैंड, कुछ कंप्लेन हो जाती है, कोर्ट में मैटर जाता है, तो यू हैव समबडी एज विटनेस हु विल कम एंड स्टैंड एंड से कि हाँ बाबा ये लीकेज था, ये हुआ था, ऐसा हुआ था। कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है उसकी वजह से, तब वो विटनेस का होना बहुत जरूरी हो जाता है। अब दूसरी जो दो और कुछ बातें हैं टेरेस के लीकेज को लेके विच वी विल गो थ्रू इट ऑल्सो सो दैट वी कवर द टॉपिक इन डिटेल टूडे। अब जैसा हमने ऑलरेडी कह दिया है कि कंज्यूमर कोर्ट हैज ऑलरेडी इशूड ऑर्डर्स इन फेवर ऑफ द कंप्लेनेंट्स हु हैव रेज्ड द इश्यूज फॉर टेरेस लीकेजेस एंड ऑल्सो अवॉर्डेड कॉम्पनसेशन। Also, the society cannot take the excuse that the society does not have the funds for repairing of terrace leakages. Just so because the society is the custodian entity. मतलब society ये नहीं कह सकती है कि terrace का leakage के लिए हमारे पास funds नहीं है. So this will not be taken as an excuse. The society has to keep reserve sinking fund available and not just squander away all the money in useless things. सो दैट जैसे बिल्डिंग पुरानी होती है, नई बिल्डिंग में तो कुछ मेजर काम, कभी कभी नई बिल्डिंग में भी लीकेज हो जाता है अगर वाटर प्रूफिंग सही तरीके से नहीं हुआ है या वाटर प्रूफिंग निगलेक्ट किया है या फिर बाद में वाटर प्रूफिंग के फ्लोर के ऊपर और एक फ्लोर बांध दिया जिसमें बीएमसी का परमिशन नहीं है, तो वो चीज उस वक्त के अंदर कभी कभी निगलेक्ट होता है और लीकेज हो सकता है, तो सोसाइटी उसके लिए एक्सक्यूज नहीं ले सकती है। अब ओपन टू स्काई स्पेसेस आर नॉन एफएसआई विच कैनॉट बी कवर्ड और एनक्रोच और यूज एज अ स्टोरेज इन एनी मैनर व्हाट्सएवर सिंस इट विल कॉन्जुगेट अ प्रोसिक्यूटेबल ऑफेंस अंडर द रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट, लोकल सिविल एक्ट एंड द फायर एक्ट। हाउएवर इट कैन बी यूज एज अ जनरल स्पेस फॉर सिटिंग, ड्राइंग, हैविंग इवेंट्स एंड फंक्शंस। द ओपन स्पेस मस्ट बी एक्सटेंडेड बैल्कनी टेरेस अटैच एक्सक्लूसिवली टू द फ्लैट फॉर एक्सक्लूसिव यूज ऑफ द मेंबर। मतलब टेरेस आप कुछ भी एंटरटेनमेंट के लिए, इवेंट के लिए यूज कर सकते हो। आप सोसाइटी बोल नहीं सकता कि टेरेस पे हम सोसाइटी का ऑफिस बांधेंगे, दिस इज ऑल्सो इलीगल। अ सोसाइटी कैनॉट हैव देयर ऑफिस ऑन द टेरेस विच हैज बीन मार्क्ड एज अ ओपन स्पेस फॉर द यूज ऑफ द फ्लैट मेंबर्स। इट कैनॉट बी सोल्ड और परचेज, ओपन टू स्काई स्पेस कैनॉट बी सोल्ड और परचेज इन एनी मैनर सिट, इट वुड कॉन्स्टिट्यूट अगेन एन ऑफेंस।
और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आता है आपको जब आप फ्लैट खरीदते हो, तो वो जो ऊपर का स्पेस है हर एक फ्लैट ओनर के लिए फ्री में मिलता है. फ्री ऑफ कॉस्ट फ्लोर स्पेस इंडेक्स अवेलेबल टू ऑल द मेंबर्स टू एंजॉय द बेनिफिट ऑफ द ओपन स्काई टेरेस. एंड इट इज नॉट डिफाइंड इन द ओपन कॉमन स्पेस. वाटर जब लीकेज होता है तो उसका एक एक सिग्निफिकेंट प्रोसीजर होता है, जो लीकेज के लिए हमको कैसे फाइलिंग करना है और उसको कैसे आगे बढ़ाना है अपनी कंप्लेंट को. तो उसके लिए थोड़ा हम लोग डिटेल में एक शॉर्ट में उसको गो थ्रू कर लेते हैं प्रोसीजर को. नाउ व्हाट वी कैन डू इन केस ऑफ वाटर सीपेज फ्रॉम द फ्लैट अबव. वाटर सीपेज फ्रॉम द फ्लैट अबव इफ लेफ्ट अनअटेंडेड प्लेस हैवॉक विद द रीइंफोर्समेंट स्टील कॉन्क्रीट बार्स कोरोजन इन मेटल्स एंड कैन इवन कॉज कैंसर टू ह्यूमन बॉडी. मतलब अगर वो पानी सीपेज का मतलब है धीरे धीरे पानी जो अंदर जाता है, पूरा फ्लश करके पानी नहीं आएगा, धीरे धीरे बूंद बूंद से वो जब अंदर गिरता है पानी स्ट्रक्चर में, तो वो ज्यादा डैमेज करता है क्योंकि वो नेकेड आई से आपको दिखता नहीं. धीरे धीरे आपको फ्लैट पे थोड़ा ह्यूमिडिटी दिखेगा, दीवार को हाथ लगा तो दीवार वेट दिखेगा वेरी स्लोली विदाउट बीइंग इजिली विजिबल. एंड एट टाइम वन नोटिस द इरिपेलेबल डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन. वंस कॉन्क्रीट कैंसर स्टार्ट विद अ स्मॉल क्रैक ओपनिंग, इट इज अ लीडिंग टू अ लीनियर डीके. दिस मीन्स दैट द स्कोप एंड कॉस्ट ऑफ रिपेयर वर्क रिक्वायर विल इंक्रीज ड्रामेटिकली समटाइम विद इन मंथ्स. मतलब जो कॉस्ट थोड़े में हो सकता है लीकेज को देख के बंद करने में, अगर उसको इग्नोर किया जाए दैट कॉस्ट कैन एस्केलेट मोर एंड कॉज मोर डैमेज. कॉन्क्रीट कैंसर इज कॉज वेन स्टील बार इन साइड द कॉन्क्रीट ऑक्सीडाइज लीडिंग टू द बार रस्टिंग, विच कॉजेज द स्टील इन साइड द कॉन्क्रीट टू एक्सपैंड लीडिंग टू अ हाइड्रोलिक लोड ऑन द कॉन्क्रीट कॉजिंग इट टू क्रैक एंड पीसीज ऑफ कॉन्क्रीट फॉलिंग ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर लीडिंग टू अ पॉसिबल पर्सनल इंजरी. मतलब छोटे छोटे कभी कभी हम लोग देखते हैं जब बिल्डिंग पुरानी होती है तो छोटे छोटे कॉन्क्रीट के बिस्किट के जैसे पीसेज ऐसे स्लैब्स में से गिरते रहते, लाइक अ बिस्किट और स्क्वायर शेप में, टुकड़े टुकड़े में, अनइवन शेप में कभी कभी वो गिरते रहते. सो दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट कैन कॉज पर्सनल इंजरी ऑल्सो. नाउ वेन यू आर फेस्ड विथ ऑल दीज एपेथीज एंड वॉट यू नीड टू डू, नाउ फेज वन स्टार्ट ऑफ विद द सिविक डिपार्टमेंट. पहला सिविक डिपार्टमेंट को कंप्लेन कीजिए. लॉज ऑनलाइन कंप्लेन ऑन बी एम सी वेबसाइट. द वेबसाइट इज www.mcgm.gov.in एंड विद द बिल्डिंग एंड फायर डिपार्टमेंट टेकिंग प्रिंट आउट ऑफ द एक्नोलेजमेंट एंड कंप्लेन एंड कीप दैट कॉपी विथ यू. मेक एन एलेबोरेट रिटन कंप्लेन टू द कंसर्न बिल्डिंग डिपार्टमेंट इन द बी एम सी, योर वार्ड ऑफिसर ऑफ द बी एम सी एंड एनक्लोज द ऑनलाइन कंप्लेन कॉपी विथ इट एंड ऑल्सो फाइंड अ रिटन कंप्लेन. And in briefly explain the leakage. It could be in 2 pages, 3 pages. पूरा डिटेल में लिख ले. जरूरत पड़े तो फोटोग्राफ्स निकालिए, एनक्लोजर्स बोल के फोटोग्राफ भी अटैच कीजिए ताकि वो क्लियरली दिख सके, ताकि वो इंस्पेक्शन के टाइम पे प्रिपेयर आए. अगर आप फोटोग्राफ नहीं लगाओगे तो आने के बाद उसको देखने में और फोटोग्राफ के साथ जब वो आएंगे तो ही विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीकेज एंड इट विल हेल्प देम. Send a reminder to the concerned department enclosing the printout of the online complaint. In case they do not respond immediately within the stipulated time that they are supposed to respond, then make a written complaint again to the zonal local office of the concerned municipal commissioner of your zone, enclosing printout of the copy given to the ward and the complaint copy of online complaint copy also, and take an acknowledgement for your record. अब हम लोग कमिश्नर को और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को क्यों कंप्लेन करते हैं, क्योंकि वो लोग सैंक्शन करते हैं प्लान, उनके पास सारे कॉपीज होते हैं एंड इट इज देयर ड्यूटी. यू आर पेइंग प्रॉपर्टी टैक्स टू देम, इट इज देयर ड्यूटी एंड लायबिलिटी टू कम एंड इंस्पेक्ट टू एंश्योर द रेसिडेंट्स हु आर रिसाइडिंग देयर, द रेसिडेंट्स ऑफ द बिल्डिंग, द अदर पीपल हु आर रिसाइडिंग देयर, देयर लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज प्रोटेक्टेड. दैट इज द सो मोटो एक्शन दैट यू हैव टू टेक to ensure that others are not harmed because of this leakage. It is always likely that the BMC would act on your complaint, and as soon as you complain to the zonal officer or to the ward officer, the action would be taken and necessarily initiative would be taken by them to ensure the inspection and direct the society to carry on the repairs
And if it is not done, they can also level a penalty on the society, and the society will be bound to carry out the repairs once the BMC issues a notice to them. Otherwise, they would be held liable. The MCGM people who come, the engineer of the building and the fire department people who come, they will meet the chairman, the secretary, and they will direct them to go to issue, also tell them that they will be issuing notices to them if they do not comply with this repairs and carry out the repairs so that the residents are not harmed. Under Section 381 of the MMC Act, the chairman, secretary, society, owner, occupier of the flat, everybody would be given a notice for rectifying the seepage and to also rectify the damage that is being caused to the society building and to the other members of the society. Even a criminal complaint. Abhi criminal complaint kya hota hai? A written complaint to the department aur uska copy aap local magistrate court mein bhi dal sakte ho. और एक कॉपी अपने पास एक्नोलेज बोल के वो भी रख सकते हो. दे वुड बी लायबल. यू कैन ऑल्सो फाइल एन एफ आई आर अंडर सेक्शन 34 ऑफ द आई पी सी एंड 336. रिटन कंप्लेंट शुड बी मेड टू द पुलिस, प्रिफरेबली इट शुड बी इन मराठी एंड इंग्लिश सो दैट यू हैव अ रिकॉर्ड ऑफ द सेम. अभी सेक्शन 336 ऑफ इंडियन पीनल कोड क्या कहता है? एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स. Whoever does any act so rashly or negligently as to endanger human life or the personal safety of others shall be punished with imprisonment of either description for a term which may exceed to 3 months or a fine which may extend to 250 rupees or with both. Of course, ये जो punishment है बहुत meager है. कभी कभी ये लोग पैसे दे के छूट जाते हैं, पैसे भी से खिला के, लेकिन वो एक डर बना रहता है. क्योंकि हर एक मेंबर जो सेक्रेटरी है, एवरीबडी हैज अ रेपुटेशन इन सोसाइटी, और रेपुटेशन भी अफेक्ट हो जाता है. और इट डज मेक अ डिफरेंस. सो इट इज नॉट कि हमको कितने महीने की सजा होती है या पनिशमेंट होता है. अगर आपने एक्शन नहीं लिया और एफ आई आर हो गया और कुछ एक्सीडेंट होता है, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल. एज द ओनर एंड ऑक्यूपायर ऑफ द फ्लैट, द चेयरमैन एंड द सेक्रेटरी, एवरीबडी फॉल्स इन लाइन with these liabilities and ensure that there is no damage to human life, no damage to property, and no damage to the society property and to the people living there. So it is about, as Hemant sir always says, that cooperative society is where people mutually come together to live in harmony with each other. So if all the parameters are met and everything is taken care of mutually, that nobody suffers for any kind of loss and damage, I'm sure all these, whatever we have discussed, can be avoided if small, small steps are taken in time. That's all, sir, for today. In case I missed out something, I'll request you to please take it up. I hope I have covered all the points, sir. Yes, madam, you have done very well, and you have given lots and lots of information to our friends over here. I am sure ki they will benefit out of the same. Thank you for speaking in Hindi and English so that our friends understand both. We will take up questions from the chat box. Yes, sir. I'm sorry, I had a slight throat problem, so for the interruptions in between, my apology for that. Okay, I'll handle the questions. Not a problem on that front. One of our friends was saying ki khali speech aapka English mein do, but टिपिकली वी डू इट इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट हमारे सारे दोस्त जितने भी ज्वाइन करते हैं, हमारे जितने भी फ्रेंड सर्कल में अब जो ये यूट्यूब वीडियो देखेंगे, वो दोनों तरफ से समझना चाहिए. नॉट ओनली इन इंग्लिश, वी स्पीक इन इंग्लिश, हिंदी, मराठी, वॉट एवर इज कन्वीनियंट, वी ट्राई टू डू दैट. इनफैक्ट सर, दो लैंग्वेजेस में बात करने में कभी कभी दिक्कत होती है, स्विच करने में, कहाँ पे स्विच करना है हिंदी में, कहाँ पे स्विच करना है इंग्लिश में, थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन आई एम श्योर एवरीबडी अंडरस्टैंड. यस मैडम, आई एम इन मुंबई कर जाता है बोलते बोलते. यस, आई स्टे इन मुंबई, सो आई कॉल माय सेल्फ ए मुंबई कर, एंड इन मुंबई वी यूज ए मिक्सचर ऑफ मेनी लैंग्वेजेस टू गेट थ्रू. सम वर्ड्स ऑफ गुजराती ऑल्सो क्रीप्स इन, सम ऑफ मराठी, हिंदी, इंग्लिश, आई मीन लैंग्वेजेस ओनली टू put across your feelings or words to others to understand.
Anyway, Mr. Alex Norona says, what about installing mobile towers, portable cabins on the terrace? What is the procedure? Sir, you need to take permission from the corporation for that, because a structural audit is a must for installing of mobile towers. Anything installed on the terrace, the load is bear by the complete whole building up to the ground level. So how strong the building is, how many years old the building is, all these parameters have to be considered. So an architect certificate is a must, and a certified architect for that matter. Not any architect or any person just cannot come and certify. A panel of architects are there with BMC. Okay. That architect will come and for the benefit of Mr. Alex, I'd like to say that we have already done a topic on mobile towers. The mobile tower YouTube video is already available on our website. Please go through. We have put up lots of details on that as to mobile tower install karne ke liye. Aapko kya kya mehnat karni hai? किस किस का परमिशन लेना है, जनरल बॉडी का कैसे परमिशन लेना है, रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट का कैसे सर्टिफिकेट लाना है, बीएमसी का कैसे परमिशन लेना, काफी लंबा प्रोसीजर है. एंड टुडेज टॉपिक इज नॉट ऑन मोबाइल टावर्स, टुडेज टॉपिक इट इज ओनली रिलेटिंग टू टेरेस एंड इट्स लीकेजेस. मिस्टर प्रवीण अग्रवाल, प्रवीण कुमार अग्रवाल से, सोलर पैनल इंस्टॉल्ड ऑन टेरेस इन सच सिचुएशन, कैन वी कीप दैट टेरेस लॉक्ड फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू? अग्रवाल साहब, ऐसा है कि आप कुछ भी इंस्टॉल कर लो टेरेस में, सोलर पैनल इंस्टॉल कर लो, मोबाइल टावर इंस्टॉल कर लो, या आपकी कुर्सी टेबल इंस्टॉल करके रख दो, कानून ये बोलता है कि आप टेरेस को लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि उसी दिन शाम को बिल्डिंग में आग लगती है तो फायर एक्ट के अनुसार आपको सबसे पहले जो जहां पहुंचना है वो टेरेस है. 20 लोग एक साथ टेरेस के बाहर खड़े हैं और चिल्ला रहे हैं कि टेरेस का दरवाजा बंद है, तो ये बुद्धिमानी का काम नहीं है और कानून भी अलाउ इसीलिए नहीं करता है. ओके, टेरेस का दरवाजा में टू वे स्विंग डोर डोर क्लोजर लगाया जाता है. टेरेस में, टेरेस के दरवाजे पे कड़ी लगाना, जिसको हम लैच बोलते हैं, वो भी अलाउड नहीं है, ना अंदर के तरफ से ना बाहर के तरफ से. हम ये एक्सक्यूज नहीं ले सकते सकेंगे कि नहीं ऊपर बच्चे भी जाते हैं वगैरह वगैरह. तो बच्चों का कंट्रोल करने का काम पेरेंट्स का है. कानून बोलता है टेरेस का दरवाजे को लॉक नहीं करना है, एंड इट इज ए ऑफेंस, पेनल्टी भी लगती है और उसको इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविजन है लॉ में. मैडम ने ऑलरेडी डिटेल किया हुआ है, डीसी रूल 38 और 43 और 44 एंड वगैरह जो है, फायर एक्ट 211 के अंदर में, ये सब के अंदर में आप टेरेस लॉक नहीं कर सकते. आई जस्ट रिपीट, डीसी रूल 38 रेड विथ डीसी रूल 43 एंड 44, आप टेरेस को लॉक नहीं कर पाओगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय, कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं तो लास्ट में जब हमारा समय बचेगा तो वी विल टेक इन वन टू वन क्वेश्चंस. सो लेट मी कंप्लीट द चैट बॉक्स क्वेश्चंस फर्स्ट. ब्रजेश पुनावाला साहब का क्वेश्चन है कि इफ एनी सुसाइड टेक्स प्लेस देन एमसी इज रिस्पॉन्सिबल. द एमसी इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज इफ एनी सुसाइड टेक्स प्लेस देन एमसी इज रिस्पॉन्सिबल. MC is not responsible if you want to go up and jump from the terrace or upar baith ke daru peena hai ya party karna hai wagera, uska MC ki responsibility nahi hai. Par responsibility is tarah se nahi hai ki agar MC ko ye pata chalta hai ki upar terrace mein koi tamasha ho raha hai, to MC ki liability hai ki jaake security ko bol ke wo jagah khali karwaya jaye, पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके बोला जाए कि ये सब तमाशे हो रहे हैं, न्यूसेंस हो रहा है, इट इज क्लासिफाइड एज ए न्यूसेंस अंडर आईपीसी, इंडियन पेनल कोड में न्यूसेंस हो रहा है. वहां पे ऊपर जो पार्टी बज रही है और लाउड स्पीकर शोर कर रहा है, ये शराब वरा कर रहा है, तो आप कुछ मत करिए, आप पुलिस को इन्फॉर्म करिए. दे आर द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, उनका उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व है आके ये सब चीजें बंद करने का वगैरह करके.
हेमा पटेल मैडम का एक क्वेश्चन है, इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर्स ऑफ फ्लोर बिल्डिंग हैविंग टेरेस शुड बी केप्ट ओपन। यस, चाहे वो 35 माले की बिल्डिंग हो या 500 माले की बिल्डिंग हो या 3 माले की बिल्डिंग हो, टेरेस बंद करना डीसी रूल्स और फायर एक्ट के कानून के विरुद्ध में है। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि बिल्डिंग लंबी है तो ऊंची है तो टेरेस को लॉक करना चाहिए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, नहीं तो वैसा हो जाएगा। वैसा कुछ भी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि आपके घर में बॉक्स ग्रिल लगाना भी गैर कानूनी है। एंथोनी मैनेजर से आपका प्रश्न है कि वी हैव टू विंग्स एक्सेसिबल फ्रॉम ए विंग टू गो टू बी विंग एंड वाइस वर्सा, वी शुड हैव वी हैव प्लेस्ड कीज एट द एंट्रेंस ऑफ बोथ द विंग्स विच कैन बी यूज टू ओपन द टेरेस फ्रॉम, जिससे मैंने आप थोड़ी देर पहले बता दिया कि यू कैन नॉट कीप द टेरेस क्लोज्ड अंडर एनी सरकमस्टेंसेस। चाबी यहाँ पर रखो, मैट के नीचे रखो, जेब में रखो या वहीं पे रखो, वो भी अलाउड नहीं है। द लॉ सेज टेरेस कैन नॉट बी क्लोज्ड, इन अदर वर्ड्स द लॉ इवन सेज कि यू कैन नॉट इंस्टॉल ए लैच, कड़ी जिसको बोलते हैं, वो भी आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो आप लॉक लगाने का तो प्रश्न ही नहीं आता है। टेरेस के दरवाजे में आपको टू वे डोर क्लोजर लगाना है, अंदर से धकेलोगे तो बाहर खुलेगा, बाहर से धकेलोगे तो अंदर की तरफ खुलेगा, स्विंग डोर जिसको कहते हैं। मिस्टर पूनावाला का एक स्टेटमेंट है, रिसेंटली हर्ड दैट पेइंग बाय पेइंग सम अमाउंट टू बीएमसी प्राइवेट टेरेस कैन बी कन्वर्टेड विथ प्रॉपर कॉन्क्रीट। फॉर योर इंफॉर्मेशन, अप टू 1/3 एरिया अंडर द डीसी रूल्स, अप टू 1/3 एरिया ऑफ योर प्राइवेट टेरेस, जैसे प्राइवेट टेरेस है ओपन है लेकिन 1.5 फीट का वॉल आप खड़ा कर सकते हो बाय टेकिंग परमिशन फ्रॉम बीएमसी, बट यू कैन नॉट टोटली इनक्लोज इट। एक प्रश्न दूसरा है, इफ द टेरेस लीकेज इज नॉट द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डेप्यूटी रजिस्ट्रार, देन हुम टू कंप्लेंट। हमारे स्पीकर ने ऑलरेडी बता दिया हुआ है, बट फिर भी आई विल अगेन से, टेरेस का लीकेज का ज्यूरिसडिक्शन है। अगर म्यूचुअली काम करना है तो बायलॉ नंबर 46 एंड बायलॉ नंबर 67 एंड बायलॉ नंबर 158 में इसका कार्यक्रम दिया हुआ है, इसका डिटेल्स वगैरह दिया हुआ है ऑलरेडी, जिसमें ऐसा बोलता है बोला जाता है कि अगर दो फ्लैट के बीच में लीकेज है तो 67 158 के अनुसार रेड विथ, मैंने आपको अभी जो बताया 67 रेड विथ 158 के अनुसार कॉस्ट शेयरिंग करना है। पर अगर ये लीकेज छत से हो रही है, टेरेस से हो रही है, तो लीकेज ठीक करने का काम सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी का है, उसमें कॉस्ट शेयरिंग वगैरह का कोई प्रश्न नहीं आता। और जहां तक कंप्लेन करने की बात है, पहले सोसाइटी के सेक्रेटरी को नोटिस दो, मेरे फ्लैट में टेरेस से लीकेज हो रहा है, सोसाइटी रिपेयर करा देता है तो ठीक है, सोसाइटी का सेक्रेटरी का काम है बायलॉ नंबर, एक पर्टिकुलर बायलॉ है जिसके अंदर सोसाइटी को पावर दिया हुआ है कि आप बायलॉ नंबर 46 कि आप 46 में सर्वे करवाइए सोसाइटी का, प्लम्बर या रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट को लेके, और फिर उसका रिपेयर सोसाइटी के खर्चे से करना है। सोसाइटी फिर भी नहीं करती है तो आप पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हो उस चीज के बारे में, सेक्शन 336 एंड 34 सेक्शन के अंडर में, इंडियन पेनल कोड के अंदर में। आप बीएमसी में सबसे बेस्ट है, बीएमसी में कंप्लेंट करो, सेक्शन सेक्शन 381 381 के अंडर में बीएमसी आता है, नोटिस इंस्पेक्ट करता है, पंचनामा करता है, सोसाइटी के सेक्रेटरी को बुलाता है, दोनों फ्लैट होल्डर्स को बुलाता है, उनका भी स्टेटमेंट ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड करेगा पंचनामा में, फोटो वगैरह लेगा, और बीएमसी के खुद के कोर्ट्स है, बीएमसी कोर्ट जिसको कहते हैं टिपिकली, जैसे हमारे मुंबई में विले पार्ले में है, कुर्ला में है, वहाँ भी बीएमसी कोर्ट, वहां पे लोअर फ्लैट वाले के ऊपर एंड सेक्रेटरी के ऊपर वहां पे केस फाइल होगा, सेक्शन 381 रेड विथ सेक्शन 481 के अंडर में, इट इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। तो ये सबसे कारगर और सबसे बेस्ट है। मिस्टर हेमंत मिर्जी का प्रश्न है, इज ए पॉकेट टेरेस इफ शोन
as using FSI be subject to property tax. Pocket terrace usually FSI free होता है, इसीलिए उसे encroach नहीं कर सकते, इसीलिए उसे enclose भी नहीं कर सकते, encroach and enclose दोनों नहीं कर सकते. But pocket terrace का भी property tax लगेगा, भले वो FSI free क्यों ना हो. जैसे उदाहरण के तौर पे सोसाइटी के कॉमन स्पेसेस, लॉबी, सीढ़ियां, क्लब हाउस वगैरह वगैरह, ये सभी कॉमन ओपन स्पेसेस में गिने जाते हैं, फिर भी उसका प्रॉपर्टी टैक्स लगने ही लगना है. प्रॉपर्टी टैक्स इज नो वे रिलेटेड टू कंजम्पशन ऑफ FSI. FSI कंज्यूम नहीं भी किया होगा या किया होगा तो भी प्रॉपर्टी टैक्स उस चीज का लगना ही लगना है. मिस्टर अग्रवाल का एक प्रश्न है, प्रवीण कुमार अग्रवाल का, कि allowing members to use terrace on daily basis can result into disturbance to the members on the top floor, to the top floor. In that case, can a member take objection? कानून की परिभाषा में सर ऐसा है कि टेरेस लॉक नहीं कर सकते हो, टेरेस कॉमन ओपन स्पेस है, टेरेस का यूसेज किसी भी मेंबर को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते. लेकिन मैनेजिंग कमिटी यानी कि जनरल बॉडी रेजोल्यूशन पास करके आप कुछ कुछ एक्टिविटी करटेल कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, बंदिश ला सकते हो. जैसे आप बोल सकते हो कि ठीक है, रात के 10 बजे के बाद में छत पे किसी को जाना अलाउड नहीं है, छत में खेलना अलाउड नहीं है. आप ये बोल सकते हो कि छत में मसाला कूटना अलाउड नहीं है. आपको अगर याद हो या पता चले, एक जमाने में कूटनी करके ऐसे ठोक के यूज करा करते थे मसाला पीटने के लिए, जो मैडम ने भी, एडवोकेट मैडम ने भी थोड़ी देर पहले बताया. नॉन स्टॉप कूटने से या शोर करने से या दबाव बनने से छत की जो फ्लोर है, जमीन है, उसमें माइक्रो क्रैक्स आते हैं जो लीकेज का कारण बनते हैं. तो कुछ कुछ चीजें आप रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन, नोटिस एजेंडा रेजोल्यूशन लेना कंपलसरी है. मिस्टर नितिन राणे का प्रश्न है, इफ लीकेज फ्रॉम फ्लैट नंबर 404 फ्रॉम 504 इनटू 404 बिलो फ्लैट, हाउ एक्सपेंसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. वेल, बायलॉ के हिसाब से, जैसे मैंने अभी आपको बायलॉ नंबर्स बताए, इन दोनों बायलॉज के हिसाब से आपको दोनों मेंबरों को कॉस्ट शेयरिंग करना, ये बायलॉ का मुद्दा है. That is bylaw number 67, read with 158. But कई बार क्या होता है कि ऊपर के फ्लोर वाला ये कहता है कि टिपिकल वर्ड्स है मुंबई में खास करके यूज किए जाते हैं, नहीं रिपेयर करना, जो जो करना है कर लो, ये आपको सुनने को मिला होगा कई बार. ऐसी सूरत में नीचे वाले फ्लोर मेंबर को पुलिस स्टेशन में एक ऑर्डिनरी कंप्लेंट फाइल करना है, लिखत में लिखो कंप्लेंट, कंप्लेंट अंडर सेक्शन 336 रेड विथ 34, और कंप्लेनेंट जो आपका, आप कंप्लेनेंट हो और सामने वाले का नाम, फ्लैट नंबर डालिए और बताइए कि ऐसे ऐसे लीकेज हो रहा है, बिल्डिंग को खतरा है, लीकेज के कारण बिल्डिंग को खतरा है. साइमल्टेनियसली ऐसा ही एक कंप्लेंट बीएमसी को फाइल करो सेक्शन 381 के अंडर में कि भाई ऐसा ऐसा ही लीकेज है, आपसे निवेदन है कि आप आके इन्वेस्टिगेट करो इस चीज को, इंस्पेक्शन करो, पंचनामा करो और रिलेवेंट प्रोसिक्यूशन फाइल करो बीएमसी कोर्ट में. मिस्टर पूनावाला का एक प्रश्न है, कैन गार्डनिंग बी डन ऑन टेरेस? देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डूइंग गार्डनिंग इन योर ओन प्राइवेट टेरेस और इन योर बालकनी और इवन ऑन द टेरेस ऑफ द बिल्डिंग. लेकिन इस कारण से अगर कोई लीकेज होता है, कम से कम बीएमसी कानून के अनुसार इसमें कोई बंदिश नहीं है इस समय. लेकिन आप ये कहोगे कि कॉमन ओपन टेरेसेस में हम पूरा का पूरा गार्डन भर देते हैं और उसमें आने जाने में बंदिश हो रही है, रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, आने जाने में तकलीफ हो रही है, तो वो अलाउड नहीं. लेकिन अगर आपका प्रश्न ये है कि मेरे खुद के प्राइवेट पॉकेट टेरेस है, प्राइवेट टेरेस है या बालकनी है, मैं वहां पे गार्डनिंग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, द आंसर इज येस, यू कैन डू इट, प्रोवाइडेड यू डू नॉट जनरेट एनी लीकेज टू योर अदर को मेंबर्स, को रेसिडेंट्स ऑफ द सोसाइटी. सर, ये पेंट हाउस जो होता है वो भी ओपन टेरेस के इसमें ही आता है सर, पेंट हाउसेस के भी जो? मैडम ऐसा है, पेंट हाउस का मतलब, पेंट हाउस का मतलब यहाँ पर डीसी रूल्स के हिसाब से ऐसा हो गया, जैसे राणे साहब ने फ्लैट नंबर 504 और 404 का मेंशन किया, आप दोनों फ्लैट के मालिक हो,
पेंट हाउस यहाँ पे हम ऐसा एक स्टेटस सिंबल है, बाकी और कुछ मतलब नहीं है। आपके दोनों फ्लैट के बीच में प्राइवेट एक्सेस है, मतलब अंदर ही अंदर आपने मिनी हाइड्रोलिक लिफ्ट लगा लिया हुआ है या मिनी मिनी सीढ़ी लगा लिया हुआ है, स्पाइरल स्टेयरकेस भी लगते हैं। तो अंदर ही अंदर जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए उसको एक वर्ड दे दिया है पेंट हाउस, लेकिन इंडिविजुअल फ्लैट है, सोसाइटी दोनों फ्लैट को इंडिविजुअली बिलिंग करेगी वगैरह वगैरह। सो और पेंट हाउस में अपने अपने खुद के प्राइवेट पॉकेट गार्डन्स, पॉकेट टेरेसेस हो सकते हैं, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू इट। देर इज अ क्वेश्चन बाय इनोवेरियम एलएलपी, सोसाइटी हैज अलाउड रेस्टोरेंट विच इज ऑन द ग्राउंड फ्लोर टू यूज टेरेस टू इंस्टॉल कूलिंग टावर्स। रेस्टोरेंट हैज ऑक्यूपाइड द एंटायर स्पेस एंड इज पेइंग नॉमिनल मेंटेनेंस चार्जेस ऑल्सो। ऑल्सो द रेस्टोरेंट ओनर इज पार्ट ऑफ एमसी एंड द एंटायर एमसी इज हैंड इन ग्लोव विद द अरेंजमेंट। हाउ टू प्रोसीड इन सच ए सिचुएशन? इट इज ट्रू दैट इफ योर बिल्डिंग इज ए सेमी कमर्शियल बिल्डिंग, जैसे कि 90 फ्लैट्स रेजिडेंशियल है और 10 यूनिट शॉप्स के हैं, या जिसमें आप रेस्टोरेंट चला रहे हो या डिस्पेंसरी चला रहे हो वगैरह वगैरह, तो रेस्टोरेंट ओनर को चिमनी ऊपर तक लेके जाने का राइट है, ऊपर अपना खुद का प्राइवेट वाटर टैंक इंस्टॉल करने का राइट है, अपना कूलिंग टावर जो आपने वर्णन किया इसका भी राइट है, पर इसके लिए प्रोसीजर फॉलो करना है। प्रोसीजर का मतलब कैसा है, आपको रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट लेना है, बीएमसी का अप्रूवल लेना है वगैरह वगैरह, सारी चीजें करने के बाद में आप ये ऊपर अपना जो मर्जी है आप कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कवरिंग ऑफ हार्डली 1/3 ऑफ द टेरेस एरिया। मतलब अगर आपने 1/3 टेरेस एरिया कवर किया और बाकी छूटा हुआ है, देन ऑल्सो दैट इज सफिशियंट फॉर यूज इन एन इमरजेंसी। मिस्टर विक्रांत जिंदाल से आपका एक प्रश्न है, एजीएम रेजोल्यूशन ऑफ ब्लॉकिंग द टेरेस विथ ओनली वन मेंबर डिसेंटिंग, विल इट बी रेजोल्यूशन इट वैलिड एज अगेंस्ट द लॉ? आप एजीएम में रेजोल्यूशन पास करो या ना करो, मैनेजिंग कमेटी में रेजोल्यूशन पास करो या ना करो, टेरेस को लॉक आप कानूनी तौर से नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको सेक्शंस ऑलरेडी बता दिया हुआ है। ये दिस इज नो एक्सक्यूज टू से कि भाई जनरल बॉडी है तो जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन सुप्रीम है, जहां तक स्टेटूटरी कानून की बात है, जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन की वैल्यू जीरो है, इट इज नल एंड वॉइड। आप कल उठ के जनरल बॉडी के रेजोल्यूशन में ये भी एक रेजोल्यूशन पास कर देना कि सोसाइटी इनकम टैक्स नहीं भरेगी, सोसाइटी जीएसटी नहीं भरेगी, सोसाइटी अपने खर्चे से 4 माला और ऊपर इंक्लूड कर देगी, तो ये सब कोई एक्सक्यूज नहीं है, गैर कानूनी काम करना अलाउड नहीं है। ओके, नाउ वी विल टेक 1-to-1 क्वेश्चन। देर इज ए रिक्वेस्ट बाय मिस्टर सुधांशु गुप्ता फॉर ए क्वेश्चन। मिस्टर सुधांशु गुप्ता इफ यू आर देयर प्लीज अनम्यूट यू। ओके मिस्टर गुप्ता प्लीज गो अहेड। पॉकेट टेरेस है, पॉकेट टेरेस में 1/3 ऑफ द पॉकेट टेरेस, फॉर एग्जांपल द लेंथ ऑफ द टेरेस इज 40 फीट एंड द विड्थ इज 30 फीट, तो 10 फीट बाय 40 फीट कवर कर सकते हैं 100%। आप पॉकेट टेरेस की बात कर रहे हैं या कॉमन टेरेस की बात कर रहे हैं? पॉकेट टेरेस में आप सिर्फ जमीन लेवल से 1/3 एरिया आप उसको वॉल बिल्डअप कर सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पे आपका फ्लोर का हाइट 10 फीट है, तो 1/3 एरिया मतलब लगभग कितना हुआ, 3 फीट के आसपास हुआ, उतना आप कम टेरेस को वॉल में कवर कर सकते हो। बाकी आप ये सोचोगे कि मैं ऊपर ग्रिल लगा लूँ, जाली लगा लूँ, कोलैप्सिबल शटर लगा लूँ, विंडोज लगा लूँ, स्लाइडिंग विंडोज लगा लूँ, दैट इज नॉट अलाउड। हाइट सो तो इन इतना कम कंक्लूड, है एंड टॉयलेट योर वॉइस टॉयलेट इज एंड नॉट कमिंग बाथरूम क्लियरली, योर वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियरली प्लीज। हाइट इज अलाउड सर, 10 फीट हाइट एंड लैट्रिन बाथरूम इज अलाउड ओवर देयर, सो फ्लोर की हाइट कितनी है सर जी? इज 10 फीट। 10 फीट। 1/3 कितना हुआ सर उसका, हाइट का 1/3 कितना हुआ, है ना? 1/3 का हाइट हुआ लगभग 3.33 फीट। तो 1/3 आप जमीन लेवल से आप उसे वॉल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो या जाली लगा सकते हो, लेकिन आप कहोगे कि मैं पॉकेट टेरेस को टोटली कवर करके एक रूम बना देता हूं, तो दैट मींस यू आर गोइंग टू बी यूजिंग एफएसआई ऑफ दैट एरिया व्हिच इज प्रोहिबिटेड अंडर द डीसी रूल्स आल्सो, अंडर एमआरटीपी आल्सो एंड अंडर बीएमसी एक्ट आल्सो, अंडर द म्युनिसिपल एक्ट दैट इज। 100% टी शर्ट लगा सकते हैं।
पॉकेट टेरेस पे आप टीन शेड लगा सकते हो, अभी बीएमसी ने रिसेंट सर्कुलर्स में अलाउ किया हुआ है। अगेन यू हैव टू फॉलो प्रोसीजर्स, आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट, बीएमसी परमिशन, बीएमसी पेमेंट एक्सेट्रा करके आप वो चीज कर सकते हो। कई लोग करते हैं क्योंकि आपका अगर पॉकेट टेरेस, मानो आप सेकंड फ्लोर पे रह रहे हो, बिल्डिंग 10 फ्लोर की है, ऊपर से लोग कचरा फेंकते हैं, पान का थूक फेंकते हैं, केले के छिलके फेंकते हैं, शराब के बॉटल फेंकते हैं, कुछ भी फेंकते हैं, तो उस कारण से आप ये एक्सक्यूज दे के आर्किटेक्ट का रिपोर्ट लेके आप ये कर सकते हो। देर आर डॉक्यूमेंट्री प्रोसीजर्स टू बी डन टू डू ऑल दिस थिंग, बट इट कैन बी डन, बट टोटल एनक्लोजर इज नॉट अलाउड। ओके ओके, एनीबडी हैज एनी अदर क्वेश्चंस? So we find that in many places or in buildings, people break the wall. There, when you have a pocket terrace, there is always a wall and then the pocket terrace with the door. Like suppose your hall has a pocket terrace, then you have a window and then the terrace. So many people have broken that wall. They have removed that window. They have extended the hall. So that is a structural change which is caused within the flat. But overall, in the end, if you look at it, it does affect the structure of the building. Yes, it is an offense under 381 also, read with section 3 of the BMC Act. BMC is entitled to do the inspection on their own or on your complaint. इंस्पेक्शन करो, पंचनामा बनाओ, फोटोग्राफ वगैरह वगैरह लो, उस मेंबर को नोटिस दे दो, ये रिस्टोर करो, नहीं रिस्टोर करता है तो प्रोसिक्यूशन लॉन्च करेंगे, कोर्ट भी पेनल्टी करता है, कोर्ट भी ऑर्डर देता है कि इसको पेनल्टी भरो, रिस्टोर करो या तो जेल जाओ। 482 बीएमसी एक्ट में प्रोविजन है कि कंटिन्यूइंग पेनल्टी, हर दिन का पेनल्टी चढ़ते जाएगा आपके ऊपर उसमें, और फिर भी आप नहीं मानते हो, नहीं रिस्टोर करते हो, तो इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविजन है उसके अंदर। कई लोग करते हैं ऐसा, और जब तक करते हैं, जब तक चल जाता है, तब तक करते रहते हैं। सर यूजुअली कभी कभी वो एमसी के साथ में मिलते करते हैं. एमसी भी सबके गुड बुक रहने के अंदर में है कि सबसे अच्छा रहे, वो परमिशन दे देते हैं इंटरनली, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग रन में इसका काफी इम्पैक्ट होता है जब बिल्डिंग पुरानी होने लगती है. अभी बॉम्बे में भी हमने अक्सर देखा है टेरेसिस पे आग लगी है, जो रेस्टोरेंट्स और मैक्सिमम ऑफ देम हैव नॉट टेकन बीएमसी परमिशन. Yes. What are you trying to say? The MC should, MC is corrupt. MC is not corrupt. I am not saying directly, I am not accusing them of being corrupt, but somewhere along they are also liable to ensure that, see, just people paying taxes and getting away with everything is not the solution. They have If to we pay their. say कि MC is liable for prosecution, for legal actions, then there is no harm in saying that MC is corrupt, because you have violated the law. अब ये तो नहीं कह सकते हो ना कि नहीं मुझे नहीं पता था करके, आप ये तो कह नहीं सकते हो, क्योंकि कानून का पहला प्रिंसिपल है कि इग्नोरेंस इज नो करेक्ट एक्सक्यूज, है ना। आप ये सर. कह नहीं सकते हो कि मला नाही माहित होता कि त्याचा खून केला तर त्याला 15-14 वर्षाची सजा आहे, ये तो आप नहीं कह सकते हो ना। बराबर है सर. आई सॉरी, आई रिपीट इट इन हिंदी। आप ये तो नहीं कह सकते हो ना कि खून करने की सजा 14 साल है, ये मुझे पता नहीं था, मेरे से तो गलती से खून हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। हर कोई बोलने लगेगा ये चीज, तो जो कानून के विरुद्ध में है आप उसको कान मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बिल्डिंग को आप खुद ही धोखे में डाल रहे हो। अभी एमसी ने अगर अनिल शर्मा को अलाउ कर दिया ये काम करने के लिए, अनिल शर्मा ने बोला कि मेरा तो अनिल शर्मा के साथ में उठना बैठना है, कॉकटेल पार्टीज वगैरह होती है, तो उसके फ्लैट से अगर नीचे लीकेज हो रहा है तो होने तो मुझे क्या करने का है उससे। लेकिन वो लीकेज के कारण वो पानी 8वें फ्लोर से होते हुए 7वें 6वें नीचे तक जाता है, सारा जो कॉन्क्रीट का बीम्स और सलिया है उसको गलाते रहता है धीरे धीरे, उस समय के साथ में गलता रहता है वो चीज। और जब कभी मेजर रिपेयर का खर्चा आता है तो वो खर्चा सिर्फ अनिल शर्मा से नहीं लिया जाएगा या एमसी से नहीं लिया जाएगा, तब तक वो करप्ट एमसी छोड़ छाड़ के भाग चुकी होती है या एमसी दूसरे आ जाती है। 5-10 साल तो लगते हैं ये चीज को, तो वो जो मेजर रिपेयर का जो खर्चा आता है वो तो आप सारे लोगों से लोगे, इजंट इट, यस सर, खाली अनिल शर्मा से लोगे। तो दिस इज व्हाट इज करप्शन अबाउट मैन। बराबर है सर. सर ओके, जिंदल साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? केतनी केतनी मैम का एक क्वेश्चन आया है शायद चैट बॉक्स में.
ओके, रीड करिए मैम और प्लीज आंसर करिए. यू आर द बेस्ट पर्सन टू डू सो. Sure, sir. If there is a pocket terrace, big or small, between two flats, how far is it to correct to do terrace plantation by one of the residents, thereby causing discomfort and breeding of mosquitoes to all the other residents? These days, even BMC has many times come up with circulars to refrain from plantation, which promote the breeding of malaria or dengue mosquitoes. Can the MC levy penal action against the residents for Encroaching encroaching the the pocket pocket terrace, which terrace. needs to be kept vacant during fire? Well, somewhere along the way, ma'am, when dengue set in, they had totally stopped people from using plantations and ensuring that water is not seen. Water should drain away. If water collects in those ponds, and then that becomes a breeding ground for mosquitoes. Am I right, sir? If water is drained away into the mud and it is absorbed in the soil and the plants look dry, then there is not much of a problem. So it is a मैडम, ऐसा duty भी है of कि पॉकेट टेरेस आपका खुद का टेरेस है और वहाँ पे गार्डनिंग करना अलाउड है. बीएमसी एक्ट के हिसाब से भी अलाउड है. पर अगर आप ये प्रूव करोगे कि इस पॉकेट टेरेस में जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं या पानी जमा हो रहा है, या हिंदी में मराठी में इसको बोलते हैं पानी साठ तो, या इट इज एक्यूमुलेटिंग, देन यू द मैनेजिंग कमिटी यू हैव आस्क्ड कि कैन एमसी लेवी पेनल एक्शन. एमसी इज नो अथॉरिटी टू लेवी एनी पेनल एक्शन फॉर ऑल दीज ऑफेंसेज. देर आर स्टैट्यूटरी प्रोविजन अवेलेबल, जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले और फौजदार एडवोकेट मैडम ने भी बताया कि सेक्शन 336 रेड भी 34 अवेलेबल है इस काम के लिए. सेक्शन आईपीसी का सेक्शन 381 रेड विथ 481 भी अवेलेबल है इस काम के लिए. आप बीएमसी में Yes. कंप्लेंट करो और इस चीज का प्रॉपर प्रोसिक्यूशन के लिए बंदोबस्त करो. अगर एमसी ने पेनल एक्शन कर दिया, समझो मानो एमसी ने आपको ये बोला कि भाई ये आपने गलत किया, इसका 5,000 रुपये भर दो. अगर मैं हूं तो मैं बोलता हूँ चलो ठीक है ये 5,000 रुपये लो, और भर दिया मैंने और मैं अपना काम कंटिन्यू करे जा रहा हूँ, वहां पे मच्छर आए जा रहे हैं वगैरह वगैरह, तो आपका जो पेनल्टी लेने का था, इज इट सॉल्विंग द प्रॉब्लम? इट इज नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम बिकॉज देर इज अ स्टैट्यूटरी एक्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम. वंस यू आर बर्डन विथ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सच एक्टिविटीज, देन यू योर सेल्फ विल स्टॉप इट. केतकी मैम, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं मैम? Sir, how far is this also correct that during fire outbreaks, just like refugee area, all the common terraces also should be kept vacant as far as possible, which will be helpful for evacuation. So, does this also apply to the pocket terraces? नो मैडम, पॉकेट टेरेस इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर इंटरनल फ्लैट बट एफ एस आई फ्री. बट एफ एस आई फ्री सो पॉकेट टेरेस में अगर समझो मानो फ्लैट नंबर 404 में एक पॉकेट टेरेस है और उस फ्लोर में आग लग जाती है, नो फोर्थ फ्लोर पे आग लग जाती है, दैट इज ए इंडिविजुअल टेरेस टोटली. या तो आप बाकी जो आठ आठ जो फ्लैट है उस फ्लोर में, वो आपके पॉकेट टेरेस में समाएंगे भी नहीं, जमा भी नहीं हो नहीं पाएंगे. और अगर मेरा फ्लैट 404 है और आग लगी भी है और मेरी फैमिली घर पे है, तो मेरी मेरा प्रायोरिटी है फैमिली फर्स्ट, तो मैं करेक्ट मेरे फैमिली को पॉकेट टेरेस में रखूंगा. बाकी जो 40 लोग रह रहे हैं उस फ्लोर में, मैं उसके अपने पॉकेट टेरेस में आने नहीं दूंगा क्योंकि उतनी जगह ही नहीं होगी. करेक्ट दिस लॉ अप्लाइज टू रेफ्यूज एरिया एंड टू द कॉमन ओपन टेरेस इन द एट ऑफ द बिल्डिंग. छत के ऊपर जो बिल्डिंग के ऊपर जो छत है, आपने जो कहा वहां पे ही एप्लीकेबिलिटी है, डेफिनेटली है. सो फ्लैट को जो अटैच्ड टेरेस आता है वहां बीएमसी ने प्लांटेशन अलाउ किया है, लेकिन दो फ्लैट के बीच जो कॉमन स्पेस में सोसाइटी टेरेस आता है वहां पर प्लांटेशन इज नॉट अलाउड ना सर. दो फ्लैट के बीच में जो कॉमन टेरेस आता है, सर, दो फ्लैट के बीच में जो स्पेस होगा कॉमन स्टेयर के उस पास में या कहीं, दो फ्लैट के बीच में कॉमन टेरेस कहां से आएगा? हमारा है ऐसा सर, फोटो भेज देती हूँ, बड़ा थोड़ा सा बीच है.
विचित्र पोजीशन है, मेरे समझ के बाहर है इस समय, मेरे समझ के बाहर की बात है। सॉरी लॉबी के नहीं, नहीं मैडम बोल रही है टेरेस के, टेरेस का वर्ड यूज कर रहे हैं, लॉबी के वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं मैडम। जिसे कहते हो आप कॉमन बालकनीज, नहीं लेट अस बी स्पेसिफिक, बालकनी है, कॉमन पॉकेट टेरेस है या कॉमन टेरेस है? दैट पॉकेट टेरेस क्वेश्चन इज आंसर्ड ऑलरेडी बाय यू। ओके, पॉकेट टेरेस इज दैट व्हिच कम्स विद योर फ्लैट इनसाइड योर थ्रेशोल्ड। ओके, नाउ इफ देयर इज अ कॉमन स्पेस व्हिच इज यूज्ड एज एन एक्सटेंशन बालकनी बिटवीन टू फ्लैट्स ओरिजिनली बाय द बिल्डर और द प्रमोटर, That so is not common space, madam. No, that is a private space. अगर फ्लैट के अंदर से उस बालकनी में जाने वाले हो, अगर आपके फ्लैट के अंदर आते हैं और फिर उस बालकनी में जाते हैं तो आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया। क्या क्या कह रहे हैं मैडम? वो दरवाजा आप जो बोल रहे हो अपने अपने फ्लैट से उस टेरेस को जाने का जो दरवाजा है वो बाद में बनाया जा रहा है, ओरिजिनल प्लान में वो दरवाजे नहीं है। Encroachments किया, in other words. वो एक्चुअली इवैक्यूएशन के लिए 7th फ्लोर 14th फ्लोर ऐसे हर जगह पर जो है बड़े बड़े एनलार्ज्ड बालकनीज दिए गए हैं ड्यूरिंग फायर आउटब्रेक्स, तो वहां प्लांटेशंस नहीं हो सकते ना सर? हो सकता है ना, डेफिनेटली हो सकता है। बीएमसी एक्ट में 488 सेक्शन है जिसके अंदर में आप एक सिंपल अर्जी डाल दो 8 लाइन की, फला फला एरिया में ये सब इंक्रोचमेंट हुए हैं, आपसे निवेदन है कि आप हमारी बिल्डिंग का इंस्पेक्शन करो। तो वो बिल्डिंग का इंस्पेक्शन सिर्फ आप ही का नहीं करेगा, आई मीन पूरी बिल्डिंग का करेगा। हाँ, यस यस, ऑफ कोर्स पूरी बिल्डिंग का करेगा, पंचनामा बनाएगा एंड बाकी के जो कार्यवाही होनी है वो करता रहेंगे सर मैम। ओके ओके, मिस्टर जिंदल आपका कोई प्रश्न था? वी विल टेक अप मिस्टर जिंदल्स क्वेश्चन देन वी विल कम बैक टू मिस्टर मेहता मैम। जिंदल साहब आर यू देयर? हाँ जी सर। Yes, मैडम का जो प्रश्न था ना कॉमन बालकनी, मेरा सबसे ऐसा है कि काफी बिल्डिंग जो 50s या 60s में बनी थी ना उसमें मतलब एक ही फ्लोर में ना 10-10 फ्लैट या 15 फ्लैट होते थे एक okay. और दूसरे बाजू में रोड फेसिंग साइड में ना एक लंबी बालकनी होती थी जो पीपल फॉर मॉर्निंग वॉक और समथिंग। अभी क्या 90% सबने वॉल्स बना के अपना प्राइवेट रूम कन्वर्ट कर दी है, क्या इनका वैसा इशारा हो कि अभी कोई बिल्डिंग में दो फ्लैट के बीच में कॉमन टेरेस हो? जैसे माइम एरिया में, दादर एरिया में जो पुरानी बिल्डिंग्स है जैसे दादर वेस्टर्न रेलवे में, वहां पे एक जगह पे मतलब कॉमन बिग बालकनी वेयर पीपल कैन जस्ट टेक अ मॉर्निंग वॉक इन द मॉर्निंग और जस्ट कैन यूज इट फॉर अ वॉक, और जो एंट्रेंस है उनका वो दूसरी तरफ से है और लाइन में 10 फ्लैट या 15 फ्लैट। दैट इज कॉल्ड अ कॉमन पैसेज है वो, इट्स नॉट अ टेरेस सर, इट इज नॉट अ बालकनी। कॉमन पैसेज उसको बोलते हैं, पैसेज हो गया वो, कॉमन पैसेज। जैसे आज के दिन पे अगर आपके फ्लोर पे चार फ्लैट हैं तो चारों फ्लैट के बीच में कुछ पर्टिकुलर जगह होगी तो वो कॉमन पैसेज हो गया। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था सिस्टम, सीढ़ी से ऊपर चढ़ते थे और फिर ढेर लंबा सा कॉमन पैसेज है और चॉल सिस्टम की तरह एक 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 फ्लैट है, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉमन पैसेज। अब इसमें भी जैसे आप बताते हो कि जो कोने वाला सबसे कोने वाला फ्लैट है वो उतना एरिया घेर लेता था, करेक्ट है, वो चीज देखने को मिलता भी है वो चीज। तो इसीलिए मैंने कहा कि कानून में प्रावधान है, अरेंजमेंट है इंस्पेक्शन करवाने का, पेनल्टी करने का, लेकिन आप संस्था हो या एसोसिएशन हो या सोसाइटी हो, लेकिन आपके पास अधिकार नहीं है इस चीज का पेनल्टी लेने के लिए, वो कानून के पास में है। आप अभी सिंपल भाषा में बोलोगे तो कानून अपने हाथ में लोगे कि मैं पेनल्टी लगाता हूँ, तो मैं बीएमसी का ऑफिसर हो गया, मैं एएमसी हो गया, मैं डीएमसी हो गया, या मैं बीएमसी का डेजिग्नेटेड ऑफिसर हो गया पेनल्टी इश्यू करने के, उसी का अधिकार है ना। आपको अधिकार नहीं मिला है सर। सर अभी आपने दूसरा सवाल बोला था ब्लॉक ग्रिल्स के बारे में कि बालकनी में ब्लॉक ग्रिल्स लगा नहीं सकते हैं, लेकिन सर बॉम्बे में तो 90% या 99% बिल्डिंगों में लगी हुई है ब्लॉक ग्रिल्स और ये लोग एज्यूम करते हैं कि इट इज लीगलाइज, नो परमिशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द बीएमसी, और आज जो नवी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है बल्कि उसमें भी कई बार बिल्डर बार्गेनिंग करते हैं, अच्छा थोड़ा हम आपको डिस्काउंट नहीं करते हैं, चलो आपके लिए हम ग्रिल फ्री में लगा देंगे, इस प्रकार से मतलब कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में भी ग्रिल लग रही है, इससे कुछ बता सकते हैं? जिंदल साहब ऐसा है कि फायर एक्ट के अनुसार, मैं कानून की भाषा बता रहा हूँ आपको, फायर एक्ट के अनुसार आपका आपका जो घर है वो 30th फ्लोर पे है और आग लग जाती है, आप सीढ़ी से नीचे तो नहीं आ सकते हो,
29वें माले पे भी और 28वें माले पे भी आग लगी रही है, तो आपको बचाने का दो तरीका है, या तो उसी माले पे अगर रेफ्यूज एरिया है तो वहां पे चले जाओ, या अगर टेरेस में जाने का मौका है तो वहां पे चले जाओ, और अगर बचना है तो फायर ब्रिगेड वाला, आप ही मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, वो कहाँ से एंट्री करेगा? और वहां पे बॉक्स ग्रिल लगा रखा है आपने, आपके लिए वो बेनिफिशियल था या फायर ब्रिगेड के लिए बेनिफिशियल था या बिल्डर के लिए बेनिफिशियल था? इसीलिए बॉक्स ग्रिल लगाना गैर कानूनी है। ओके, अगर आप बोलोगे कि मैं कोलैप्सिबल लगा देता हूँ, पर आदत अनुसार आप उस कोलैप्सिबल में भी ताला लगाते हो, तभी चाबी भी घूम जाती है। वडाला में एक 65 माले की बिल्डिंग बनी हुई है, 65 फ्लोर्स, कोई भी फ्लोर पे ग्रिल नहीं है, किसी भी फ्लोर पे ग्रिल नहीं है। आप नेट पे ढूंढ लीजिए सर, आपको मिल जाएगा, फोटोग्राफ्स भी मिल जाएंगे। हमारे वेस्टर्न सबर्ब्स में भी मलाड़ में मारवे रोड पे 55 फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई है, नो ग्रिल्स, पीपल आर लिविंग वेरी पीसफुली। अभी मेरे अंदर एक अगर भय है कि मैं गिर जाऊंगा, खिड़की के पास मत जाइए आप, क्योंकि अगर 55 वाले की बिल्डिंग में जब लोग रह रहे हैं और वो नहीं गिर रहे हैं। लेकिन क्या आपने पेपर में पढ़ा है कि फ्रीक्वेंटली हर रोज कोई ना कोई गिर रहा है अपने गैलरी से या बालकनी से या खिड़की से? भूले भटके कभी कभी पढ़ने को मिलता होगा। तो ये हमारा डर है कि हम उसको ग्रिल लगाते, लेकिन कानून नहीं अलाउ करता है। अगर फायर एक्ट वाले, अगर बीएमसी एक्ट वाले इसको इन्फोर्स करने को जाते हैं तो 25,000 का पेनल्टी है इस पे, 25,000 रुपीज का। बीएमसी के बायलॉज देख लीजिए, डोंट गो बाय द बीएमसी एक्ट, बीएमसी का खुद का बायलॉज भी है, और बायलॉज के अंदर पेनल्टी का चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, मच्छर है घर पे, पानी पानी जमा है, ये पेनल्टी है। बिल्डिंग के कॉमन एरिया में नारियल का पत्ती जमा कर रखा है, या सीमेंट का डरबरीज जमा कर रखा है, या पुराने फर्नीचर जमा कर रखा है, उसका ये पेनल्टी है। वो बायलॉज में लिखा हुआ है सर, और वो बायलॉज स्टैट्यूटरी बायलॉज है, हमारा सोसाइटी की तरह बचकाना बायलॉज नहीं है, इट्स नॉट अ चाइल्डिश बायलॉ, इट हैज फोर्स ऑफ लॉ, दैट बायलॉज हैज अ फोर्स ऑफ लॉ। ओके मिस्टर मिसेस मेहता, आपका प्रश्न। तो ये बॉक्स ग्रिल नहीं लगा सकते हैं आपने बोला, तो बीएमसी वाले क्यों इतना पेनल्टी लगा के कितना पैसा इकट्ठा कर सकते थे, तो वो क्यों नहीं करते हैं? अब उसका जवाब ऐसा है कि वन मोमेंट, आई एम रिक्वेस्टिंग पीपल टू कीप देमसेल्फ्स ऑन म्यूट सो दैट वी कैन टॉक इन ए मच क्लियरर वे। बीएमसी में जब कार्यवाही करोगे तभी कंप्लेंट करोगे, तभी एक्शन लेते हैं, ठीक है, और वो कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं इसका जवाब मेरे पास नहीं है। कार्यवाही करना चाहिए, कानून कानून है उसके लिए, मैंने आपको अभी कानून का नंबर भी बताया, एक्ट सेक्शन बताया मैंने, कानून है, लेकिन कार्यवाही नहीं करता। ऐसे तो देश में कई कानून है लेकिन हर जगह कार्यवाही नहीं होती है, पर हमारा काम है, हम सिटीजन्स हैं, हमारा काम है कि हम अपने खिड़की पे बॉक्स के लिए नहीं लगाए कि अगर कोई घटना होती है तो मेरे को फायर ब्रिगेड वाला नहीं बचा पाएगा, मेरे बीवी बच्चों को, मेरे माता पिता को नहीं बचा पाएगा वो। और अगर आपने 55वें फ्लोर पे फ्लैट लिया हुआ है नए बिल्डिंग में, तो जब बाकी लोगों ने, बाकी जो 500 लोग जो उस 500 फ्लैट उन्होंने ग्रिल नहीं लगाया, तो आपको क्यों लगाना है उसके अंदर? प्रश्न वो भी आता है ना, जिससे मैंने आपको बताया कि क्या आपने अभी तक रेगुलर न्यूज़पेपर में, रेगुलर टीवी चैनल्स पे ये आपने सुना है कि हर रोज मुंबई शहर इतने इतना बड़ा शहर है, 2 लाख बिल्डिंग के आसपास है, कम से कम 2-4 लोगों तो को तो गिरते रहना चाहिए, सुसाइड करते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा खबर नहीं आ रही है कहीं से भी। भूले भटके कोई अगर करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे के सारे लोग मिलके अब बॉक्स ग्रिल लगा लोगे, अरे वहां पे गिर गया तो शायद हम लोग भी गिर जाएंगे, ऐसे ही सोचना है, गलत है। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। श्रीनिवासन मैडम। सर, आई मीन दिस इज रिगार्डिंग लीकेज, कैन यू हियर मी सर? यस मैम। थैंक यू सर। दिस इज रिगार्डिंग अ लीकेज, आई हैव अ फ्लैट इन ठाणे वेयर द लीकेज, इट इज अ ग्राउंड फ्लोर फ्लैट एंड द लीकेज इज कमिंग फ्रॉम डाउन।
in the rainy season, the water seeps on the ground. That is from ground level, it comes above. Yes, it happens. How do we deal with it? Well, this is a highly technical question. The water comes into your flat because your area might be on a sort of, you can say, a low-lying area. The water table in your compound or in your area might be high. So reverse pressure sometimes is generated. There is no particular solution for this thing. A registered architect will say, okay, you pump in a lot of holes in that area, make a borewell, pump out the water, etc. These are all temporary solutions. But anyway, you can contact a local architect, the BMC designated officer in the building proposal department, and check out with them if they have got some solution. No, actually the water is coming from, the tile is there from below, on the tile, you know, especially the rainy season, you can say, you see it is getting wet. Yeah. Because it's you need to coordinate with your registered architect for these purposes. He will do the survey and he will only determine ke kahan se leakage. Because the one problem is there that the around the building, it is not concreted. Around the flat, that is outside the flat. It's whatever description is there, once the architect surveys it, prepares the report, he will say, the building is on the lower side, or it is not concreted, or there is a water leakage, or whatever, he has to determine. Nobody else has that authority to do so, madam. Okay, sir. But then after that, the repairing will be taken up by the society, or we have to do it ourselves? It has to be done by the society. Okay, sir. And Thank you, sir, one more question is, there is leakage from the outer wall. It's from outer wall, there is a leakage. Who has to do that? Hello? Leakage from the outer wall has to be taken care of by the society. Okay, sir. Okay, sir. That's what I wanted to Thank you, madam, for joining in. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, in reference to what ma'am just said in Thana, so Thane, if you see, there is a creek and most of the areas has been landfilled to construct buildings. So could that also be one of the reasons that water is seeping from below? Yes, it is a strong possibility. But who determines that? Correct, sir. Who determines it? The ground water level department determines it. And the BMC ke paas mein pest department, PEST, pest department hai. Unka kaam hai ground water level ko check karte rehne ka har jagah se. आपको जानकारी में ये बता दें कि अगर आपकी बिल्डिंग है, पेस्ट डिपार्टमेंट का काम है हर जगह पीरियडिकली जाके चेक करते रहना है कि भाई इस एरिया में ग्राउंड वाटर लेवल क्या है. क्यों डिटरमाइन करना है? कि बिल्डिंग का फाउंडेशन कमजोर तो नहीं हो रहा उस कारण से, और वो अपना रेमेडियल मेजर्स लेते रहते हैं. तो दिस इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड थिंग्स दैट ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज टू डू सो. ओके, दे डू सो इन केस ऑफ लेटर से. जैसे अभी उदाहरण के तौर पे आपने रेलवे स्टेशन है, तो रेलवे स्टेशन के आजू बाजू के एरिया को टिपिकली आपने सुना होगा, इसको डिसिल्टिंग करते हैं. आपके ब्रिजेस बड़े बड़े बने हुए, उनके एरिया के आसपास ये चेकआउट करते रहते हैं ये चीजों को. बिकॉज इफ द वॉटर इज गोइंग टू एकोमुलेट ओवर देर, देन इट एक्ट एज ए वॉट इज के एज ए क्विक सैंड. ओके, द सॉइल बिलो द अर्थ शिफ्ट. ओके, अगर पानी का लेवल जमीन के नीचे मट्टी में खूब ढेर सारा है तो मट्टी सरक जाती है. एनीवे, एनी अदर क्वेश्चन बिफोर वी कंक्लूड? थैंक यू सो मच फॉर द सरप्राइज सर. इट इज द मोस्ट. मिस्टर नरेंद्र शाह बोलिए. सर, हमारे बिल्डिंग में हाई राइज बिल्डिंग है और दो रेफ्यूजी फ्लोर है और दोनों फ्लोर एंकर्स के हुए. अगर आपका आपकी आवाज ठीक से आ रही है, बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा आवाज है, आप वो बंद करके फिर आइएगा. एनीबडी एल्स हैज एनी क्वेश्चन प्लीज? हमारे हाई राइज बिल्डिंग है, दादर में रहता हूँ और उसमें दो रेफ्यूजी फ्लोर है, दोनों एंकर्स के हुए फ्लैट है, तो उसके लिए क्या करने का? आप बीएमसी में कोऑर्डिनेट करिए डेजिग्नेटेड ऑफिसर के साथ में, फोटोज वगैरह ले लीजिए. हमने बीच में पूना का एक हमारे स्पीकर थे यजदी मोतीवाला, सेम टू सेम
जो आपने बताया उनके भी रेफ्यूज फ्लोर को इंक्रोच किया हुआ था, उनने भी उनके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कंप्लेंट किया। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले आए वहां पे, सर्वे किया, सब किया, और जो भी इंक्रोचमेंट था वो डिमोलिश हुआ। तो आपको भी वो कार्यवाही करना है। वैसा आप हमारे वेबसाइट में जाके रेफ्यूज एरिया करके वेबिनार, दो वेबिनार है, उसको चेक कर लीजिए, उसके प्रोसीजर वगैरह डिस्क्राइब किया हुआ है। ओके थैंक यू सर। ओके अरे सर और बोलना भूल गया, रेफ्यूजी तो ये जो रेफ्यूजी डोर है ना वो भी अपना इंक्रोच है, बाद में रेफ्यूजी जो कंपाउंड में पार्क हो रहे थे ना, पार्किंग हो रहे तो फायर ब्रिगेड, यस वो भी सब एंक्रोच करके, वो भी एंक्रोच करके रखा है सर। वेरी गुड, अच्छा है आप लोगों ने एनक्रोच करने अलाउ किया तो ही तो एनक्रोच हुआ ना सर जी। हम लोग ने एनक्रोच अलाउ नहीं किया, वो लोग बोलता ऑनर बोलता है कि बिल्डर ने हमको बेचा है। ओके हाँ। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, आपका जो भी एनक्रोचमेंट का प्रॉब्लम है बिल्डिंग में कहीं पर भी, ग्राउंड फ्लोर की लॉबी का हो या फ्लोर की लॉबी का हो या टेरेस का हो या रेफ्यूज एरिया हो या कहीं पर भी हो, आप बीएमसी के डेजिग्नेटेड ऑफिसर को कंप्लेंट करिए और वो अपना कार्यवाही करेंगे। डेजिग्नेटेड ऑफिसर मतलब वार्ड में मिलेगा कि वो बिल्डिंग प्रपोजल में? आपके वार्ड में चले जाइए और इंक्वायरी कर लीजिए, दे विल बी एबल टू गाइड यू प्रॉपरली। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। आई हैव वन क्वेश्चन, कैन आई आस्क? यस प्लीज प्लीज गो अहेड मिस्टर भरत कुमार। या सर, वी आर प्लानिंग टू गो फॉर द शेड ऑन द टेरेस एंड ऑन दैट शेड वी आर प्लानिंग टू गो फॉर सोलर रूफिंग, I mean the solar thing. So we have already done the structural audit of the building and the structural auditor has given us the permission that we can go ahead with that. So my question is like, do we have to have the structural stability certificate also for the same? Yes. A structural auditor is not entitled to give you all such certificates. Okay. He will only check out your building column, beams, etc. This certificate has to be given by a registered architect. Okay. So architect will decide that, he will prepare the drawings, etc. He will determine the load, this, that, and it is his work to get the relevant permission from all the relevant department. A structural auditor does not do that. His job is totally different and an architect's job is totally different. Okay. So you can definitely install a metal shade, that is patra shade or a fiber shade. Yes. आपके टेरेस में इंस्टॉल कर सकते हो और उस शेड में आप डेफिनेटली मल्टी टास्किंग करके आप अपना सोलर पैनल्स भी उस पे पक्का इंस्टॉल कर सकते हो। आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि जो पतरा का शेड या मेटल शेड या फाइबर शेड इंस्टॉल करोगे उसका एक ही पर्पस पोर्ट्रे करना होता है कि आपके बिल्डिंग में वहां से लीकेज हो रहा था, इसके लिए मैं जस्टिफिकेशन से ये मेटल शेड इंस्टॉल कर रहा हूँ। और यही सर्टिफिकेट आपको आर्किटेक्ट से लेना है, ये सर्टिफिकेट आपको स्ट्रक्चरल ऑडिटर देने का ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, ही डज नॉट हैव द ज्यूरिसडिक्शन, उसके अधिकार में नहीं है। ओके तो हमको ये आर्किटेक्ट से फिर लेके फिर देन जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनको जाके देना है, यानी जो रेलेवेंट परमिशन लगेगा उसके लिए करना पड़ेगा, राइट? यस, आर्किटेक्ट आएगा, सर्वे करेगा, आर्किटेक्ट को ये बोलना है कि आपके टेरेस से लीकेज हो रहा है एंड आई सर्टिफाई कि इस लीकेज का एक आसान तरीका है उसमें मेटल शेड बना के देने का, जो अभी इस समय बीएमसी ने अलाउ किया हुआ है। ओके ऑलराइट, ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू। नाउ वी विल कंक्लूड टुडेस वेबिनार बिकॉज इट इज ऑलरेडी गेटिंग लेट। आई थैंक एडवोकेट फातिमा फौजदार फॉर शेयरिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड आंसरिंग अवर पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो। And now with the permission of all the participant friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and supporting this webinar. And supporting this knowledge sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you everybody. And thank you. Thank you.